ठीक है, अब हम बात करते हैं इवन और ऑड फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? इवन और ऑड फंक्शन की। देखो, इवन फंक्शन का क्या मतलब होता है? इवन फंक्शन का मतलब होता है अगर हम जो हमारे को फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर कोई चेंज नहीं आता, सेम फंक्शन अगर आ जाता है तो अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब फंक्शन इवन है, और अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर माइनस का चेंज आता है तो फंक्शन ऑड है। तो इवन फंक्शन क्या होते हैं? इवन फंक्शन होते हैं जिसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई चेंज नहीं आता। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा हो तो फंक्शन इवन है। एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर कोई चेंज नहीं आता इसका मतलब फंक्शन इवन है। और एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर माइनस का चेंज आता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर अगर माइनस का चेंज आता है तो फंक्शन ऑड है। ठीक है, तो इवन फंक्शन का मतलब समझ में आ गया। इवन फंक्शन का मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखो कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑड फंक्शन का मतलब एक्स की जगह माइनस एक्स रखो तो माइनस का चेंज आ जाए, तो वो ऑड फंक्शन। दूसरी बात, एग्जाम्पल बहुत सारे इवन फंक्शन के, है ना। जैसे मैं आपको बताऊं इवन फंक्शन के एग्जाम्पल दुनिया भरी पड़ी है। एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस एक्स हो गया, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स हो गया, ये सब इवन फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल आप दुनिया भरी पड़ी है वापस, एक्स क्यूब ले लीजिए, आप साइन एक्स ले लीजिए, आप ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ले लीजिए, ये सब ऑड फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप इनको ग्राफिकली देखें, कैसे देखें? ग्राफिकली देखें तो अगर आप एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखेंगे और एक आप sin x का ग्राफ देखिए, ठीक है, ये sin x का ग्राफ है बेटा, ये x स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक, तो अगर मैं इवन फंक्शंस को देखूं तो ये मेरा y एक्सिस है, दिख रहा है? तो y एक्सिस के दोनों तरफ, चाहे आप इधर देखें चाहे उधर देखें, आपको दोनों तरफ सेम शेप नजर आ जाएगी, दोनों तरफ सेम वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, अगर हम इवन फंक्शंस को देखें तो इवन फंक्शंस का जो ग्राफ होता है वो y एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा। कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा। जैसा शेप, जैसा ग्राफ, जैसी वैल्यूज आपको इस साइड मिलने वाली हैं, वैसा ही ग्राफ, वैसी ही शेप आपको इस साइड मिलेगी। तो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मैंने लिखा है इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, और आप बोल सकते हैं एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अगर मैं ऑड फंक्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? ऑड फंक्शन की, 0.0, 0। ठीक है, 0.0 से आप पाई बाय टू आगे गए, 0.0 से आप पाई बाय टू आगे गए तो वैल्यू कितनी मिलेगी बेटा? 1 मिलेगी। 0.0 से आप पाई बाय टू आगे गए तो वैल्यू 1 मिलेगी। तो पाई बाय टू पीछे जाओगे तो वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? -1 मिलेगी। समझ में आ रहा है? क्लियर। तो 0.0 से पाई बाय टू आगे जाने पर वैल्यू 1 मिल रही है, तो पाई बाय टू पीछे जाने पर वैल्यू -1 मिल रही है। इसका मतलब क्या है? ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ऑड फंक्शंस किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। तो ये बेसिक ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी सी बात है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक कैसे करते हैं और किसके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ छोटी छोटी बातें लिखी हैं, ध्यान रखें। एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, दुनिया में एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन और दोनों होता है। बहुत छोटा सा लॉजिक है, एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो अपने पास है, तो अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो जीरो ही रहेगा। अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो जीरो रहेगा, अच्छा जीरो बोलो या माइनस जीरो बोलो एक ही बात है, तो फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। इसलिए एफ एक्स इक्वल टू जीरो इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एंड ऑड बोथ, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इवन फंक्शन में अगर इवन फंक्शन ऐड करें सबट्रैक्ट करें तो इवन आएगा, ऑड फंक्शन ये ऑड है, जीरो नहीं है, ऑड है। ऑड में ऑड ऐड करेंगे तो ऑड आएगा। और ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, जो बहुत चमत्कारी बच्चे गलत करते हैं, बच्चों से पूछा बेटा इवन प्लस ऑड क्या होगा? बेटा हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, इवन फंक्शन में ऑड फंक्शन ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे तो नैनो आएगा। क्या आएगा? नैनो। नैनो का मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसे मान लेते हैं मैंने 2x क्यूब में 1 ऐड कर दिया, तो 2x क्यूब एक ऑड फंक्शन है और 1 एक इवन फंक्शन है, ध्यान रखना है। उसका आंसर नैनो आएगा बेटा। क्या आएगा? नैनो। क्या आंसर आएगा? नैनो। तो ऑड फंक्शन प्लस इवन फंक्शन बिकम्स नैनो, ऑड फंक्शन माइनस इवन फंक्शन बिकम्स नैनो, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, चलिए अब इन दोनों क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमें क्या करना है? इवन ऑड चेक करना है। क्या करना है? इवन ऑड चेक करना है। तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने x की जगह रखा माइनस एक्स, x की जगह क्या रखा? माइनस एक्स, तो रख दिया, तो ये माइनस एक्स क्यूब आएगा और x की पावर 6 पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, x की जगह क्या रखा बेटा? माइनस एक्स, तो ये माइनस हो गया, x की पावर 6 पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आगे यहां तक आने के बाद हमने क्या किया? लगे यार यहीं पर ही
इसको हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे हमने इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, समझ आ गया। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, कर लिया, अब क्या होगा देखिए, मैथ्स कहती है a माइनस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन दिस कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये चीज वन अपॉन में है, क्या होगा, वन अपॉन में है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगी बेटा, ऊपर जाके बन जाएगी पावर माइनस वन, आगे समझ में श्योर है मेरी बात, तो ये बन जाएगा माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आते ही सेम फंक्शन आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही पावर माइनस आगे आएगी तो ये सेम फंक्शन बन जाएगा, यानी बन जाएगा माइनस एफ एक्स। तो बताइए कैसा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेटा ये, ऑड फंक्शन है, करेक्ट है। अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन दिस, ये आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अब ये e की पावर माइनस एक्स है ना, e की पावर माइनस एक्स होता है वन अपॉन e की पावर एक्स, e की पावर माइनस एक्स क्या होता है, वन अपॉन e की पावर एक्स, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स दिस माइनस एक्स बाई टू प्लस वन, श्योर है, पक्का। अच्छा, इस माइनस को नीचे वाले माइनस से बैलेंस कर दो, इस वाले माइनस को इस वाले माइनस से बैलेंस कर दो, कर दिया, ये आ जाएगा, आ गया। मैक्सिमम बच्चे जब ये क्वेश्चन करेंगे तो वो यहां पर हो सकता है लटक जाए, बच्चा लटक जाए जाके, बच्चे के दिमाग में नहीं चल रहा अब क्या करूं सर, अब बताओ करें क्या। तो बेटा अब क्या करना है, सुन अच्छे से, स्टेप्स को ढंग से देखना मैं क्या करने वाला हूं। मैंने देखा कि यार e की पावर x माइनस वन नजर आ रहा है मुझे, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। अपन ने क्या करा, छोटा सा काम, माइनस वन प्लस वन कर दिया, समझ में आ गया। फील कैसा आएगा भाई माइनस वन प्लस वन का, इसको देखकर फील आ रहा है, अब कहां से आएगा, माइनस वन कर दिया प्लस वन कर दिया, कर दिया, अब क्या फायदा हुआ, इससे फायदा हो गया बेटा, इससे फायदा क्या हो गया बेटा, ये अपॉन ये वन हो गया, ये अपॉन ये वन हो गया, तो x बचेगा प्लस x अपॉन ये बचेगा, ये चीज एज इट इज निकली हुई थी, समझ आ गया। तो मेरे पास आ गया, ये आया, बिल्कुल आया, x माइनस एक्स बाय टू, एक्स बाय टू प्लस वन, ओ क्या दिखा, दिख रहा है, अरे सेम ही आ गया, सेम ही आ गया भाई, आया कि नहीं आया, ये सेम आ रहा है, इसका मतलब बताओ फंक्शन कैसा है, ये इवन फंक्शन है। जो बच्चे क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं उनको 100% फील नहीं आएगा ये इवन आने वाला था, जिसने पहले देखा वो अलग बात है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन का फील आना मुश्किल है, ये फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा। इस करना चालू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच, है ना, विच एफेक्ट्स, ये दे रखा है इज एन ऑड फंक्शन, है ना, आपसे पूछा गया है कि के की स्मॉलेस्ट वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू लिखना चाहिए था इनको, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, है ना, के की वो इंटीग्रल वैल्यू बतानी है स्मॉलेस्ट जिसके लिए फंक्शन ऑड है, ठीक है। अब समझना अच्छे से, क्वेश्चन को ढंग से समझना, देखिए ये मैंने अभी डिराइव कराया था, ये ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। साइन 5x सबको पता है ऑड होता ही है, दुनिया में ऑड प्लस ऑड सबको पता है ऑड होता है, समझ आ गया, ठीक है, दिक्कत है भाई। तो ये भी एक ऑड फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है, लेकिन एक्स स्क्वायर बाय के, ये तो इवन फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर बाय के तो एक इवन फंक्शन हो गया भाई, ठीक है। तो ऑड प्लस ऑड इज ऑड प्लस ये इवन हो गया, और ऑड प्लस इवन बिकम्स नैनो, ठीक है, ऑड प्लस इवन बिकम्स नैनो, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने तो बोला फंक्शन ऑड है, आप तो मुझे लिखकर दे रहे हो कि फंक्शन ऑड है, और आपका फंक्शन नैनो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन ऑड है, अगर ऑड हो तो एक ही पॉसिबिलिटी है, ये टर्म यहां से जीरो कर दो, समझ आ गया। जैसे ही बेटा ये टर्म यहां से जीरो हो जाएगी, अपने आप ही फंक्शन ऑड हो जाएगा। तो अगर मुझे ऑड फंक्शन चाहिए तो ऑड तभी होगा जब ये वाला पार्ट क्या हो जाए, जीरो, ठीक है। तो फर्स्ट और इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे पहली बात, ये ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा बेटा
जब कौन जीरो हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर बाय के जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया, ये चीज समझ लो, क्योंकि ऑड प्लस ऑड में प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये वाला पार्ट कर रहा है। और ऑड प्लस इवन नैनो हो जाएगा, नैनो नैनो नहीं चाहिए उसे, ऑड चाहिए, तो ये जीरो करना पड़ेगा। अच्छा, एक्स कहाँ से कहाँ तक है, माइनस टू पाई से टू पाई तक, ठीक है। तो चूंकि एक्स माइनस टू पाई से और टू पाई के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से फोर पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक। अब सोचो कोई बॉक्स जीरो कब हो सकता है, कोई बॉक्स जीरो तब हो सकता है जब नंबर पॉइंट्स में हो। अगर उस बॉक्स के अंदर आने वाली टर्म पॉइंट्स में है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 पॉइंट्स में है, तो बॉक्स जीरो होगा। तो मैं चाहता हूं ये बॉक्स जीरो हो जाए, और मेरा अगर ये बॉक्स जीरो चाहता हूं, तो ये बॉक्स जीरो कब होगा, जब के ऊपर वाले से बड़ा हो। क्योंकि जब के ऊपर वाले से बड़ा होगा तो टर्म्स पॉइंट्स में आएंगी, और टर्म्स अगर पॉइंट्स में आएंगी तो डेफिनेटली उसका बॉक्स जीरो होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अगर जीरो से फोर पाई आर स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर जीरो से फोर पाई आर स्क्वायर है, तो के क्या होना चाहिए बेटा, के फोर पाई स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, के फोर पाई स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही के फोर पाई स्क्वायर से बड़ा होगा, ऊपर वाली टर्म डिवाइड बाय नीचे वाली टर्म जो बड़ी है उससे, तो रेशो पॉइंट्स में आएगा, और रेशो अगर पॉइंट्स में आएगा तो वैल्यू बेटा हमेशा डब्बा जीरो आएगा, क्लियर। तो के फोर पाई स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए, फोर पाई स्क्वायर की वैल्यू अगर आप निकाल के देखेंगे तो 39.5 का अप्रोक्सीमेट आती है, 4 पाई स्क्वायर की जो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेट 39.5 के आसपास आती है। तो 39.5 से बड़ा इंटीजर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए अपन को, है ना, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, इंटीग्रल वैल्यू स्मॉलेस्ट चाहिए। तो 39.5 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा बेटा, 40। इसका आंसर 40 टिक करेंगे, कौन सा आंसर टिक करेंगे बेटा, 40। सेकंड वाले पर आ जाते हैं, सेकंड वाले में क्या करेंगे, 2x साइन एक्स प्लस टेन एक्स, इसको लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय पाई प्लस पाई अपॉन पाई वन हो जाएगा, वन हाफ बाहर आ जाएगा, वन माइनस हाफ, ठीक है भाई, एक्स अपॉन पाई प्लस पाई अपॉन पाई तो वन हो गया, वन माइनस हाफ, वन माइनस हाफ क्या होता है, हाफ ही लिख देता हूँ, वन माइनस हाफ क्या होता है, हाफ ही होता है, इसको लिख देता हूँ, लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, कि ये इवन है कि ऑड है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स, तो ये माइनस टू एक्स आएगा, ये माइनस साइन एक्स आएगा, ये माइनस टेन एक्स आएगा, ये माइनस का एक्स अपॉन पाई आएगा, और ये प्लस हाफ आएगा, समझ आ गया, क्लियर है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, अब आप समझना भाई, ऊपर वाला तो बैलेंस हो गया, लड़ाई न्यूमरेटर की तो है ही नहीं, न्यूमरेटर तो बैलेंस हो गया, लड़ाई यहाँ पे डिनोमिनेटर वाले पार्ट की, ये समझना। उसने साफ लिखा है कि x पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, उसने लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, यानी x अपॉन पाई इंटीजर नहीं है। तो साफ लिखा है क्वेश्चन में x इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है, इसका मतलब x अपॉन पाई इंटीजर नहीं है। और अगर x अपॉन पाई इंटीजर नहीं है बेटा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x होता है, माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का, मतलब x इंटीजर नहीं है, समझ आ गया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x होता है, माइनस वन माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जब x इंटीजर नहीं है। तो चूंकि ये पार्ट इंटीजर नहीं है, तो उसको लिखेंगे इस प्रॉपर्टी से, माइनस वन माइनस दस लिख लेंगे पक्का, और माइनस वन प्लस हाफ, माइनस हाफ, माइनस वन प्लस हाफ क्या होगा बेटा, माइनस हाफ, ठीक है, माइनस वन प्लस हाफ होगा माइनस हाफ, श्योर। तो आपको दिख रहा होगा ये चीज और ये चीज, दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, माइनस का, क्लियर। बताइए फंक्शन कैसा होगा बेटा, फंक्शन हो गया, और कैसा फंक्शन हो गया बेटा, और फंक्शन है, आ गया फंक्शन कैसा हो गया बेटा, और फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, आंसर आएगा और फंक्शन। हम चलते हैं थर्ड पर, थर्ड पर आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ उसने एफ एक्स एक इवन फंक्शन है, लिखा हुआ बहुत अच्छी बात है, और साथ में फंक्शन भी दे रखा है ना, फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है उसने एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ओके। जब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा, जब मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूंगा, इस पर कोई फर्क,
नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस पे फर्क पड़ेगा माइनस का, ठीक है। तो पूरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इस पे फर्क पड़ेगा, यानी कैसा आ गया, ऑड फंक्शन आ गया, ये आ गया। तो आप सोचो, क्या सोचो, आपने बोला फंक्शन इवन है, आपने क्या बोला बेटा, फंक्शन इवन है, ठीक है, आपने बोला फंक्शन इवन है, इवन बोला और आया ऑड, इवन दे रखा था और आया ऑड, तो ये कैसे होगा, आपने इवन दे रखा है और ऑड आया, ये केवल तभी पॉसिबल है जब फंक्शन जीरो हो जाए, क्योंकि मैथ्स में जीरो इज द ओनली फंक्शन विच इज इवन एंड ऑड बोथ, ठीक है। तो इवन दे रखा था, आया ऑड, इसका मतलब फंक्शन क्या लेंगे बेटा, फंक्शन आप जीरो लेंगे, और अगर आपने फंक्शन जीरो लिया तो 100 पर वैल्यू कितनी आएगी, 100 पर वैल्यू जीरो आएगी, समझना गया, हर जगह आपकी वैल्यू जीरो आएगी, क्लियर, आंसर कितना आएगा, जीरो। लास्ट वाले पर आ जाइए, ठीक है, लास्ट वाले पर आ जाते हैं, इसमें एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस एक्स रख देते हैं, यहाँ आएगा माइनस एक्स, मॉड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी लिख लो, यहाँ पर आएगा माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आएगा माइनस एक्स, यहाँ पर क्या आएगा प्लस एक्स, यहाँ पर क्या आएगा माइनस एक्स, ठीक है, इधर आ जाएगा, यहाँ माइनस एक्स आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, आ गया। अब होगा क्या, आगे बढ़ जाते हैं, तो माइनस एक्स मॉड का मतलब आपको बताइए, मॉड से कोई मतलब नहीं है, अच्छा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज, ठीक है, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज, इधर आ जाइए, ये चीज और ये चीज एज इट इज रहेगी, अच्छा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज, तीनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज, तो ये आएगा वन और माइनस वन, ठीक है। ऐसे लास्ट वाले में एक्स मॉड एक्स ही रहेगा, दो तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा एक्स लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, गौर से देख लो, गौर से आपको दिख गया होगा ये चीज और ये चीज सेम है, आराम से देख लो, नीचे क्या लिखा होगा, ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सब सेम लिखा होगा, ठीक है। फंक्शन कैसा हो गया बेटा, इवन फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेटा, इवन फंक्शन है, समझ में आ गया, फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं फंक्शंस में, आगे बढ़ते हैं, है ना, तो फंक्शंस में बात करेंगे वन वन फंक्शंस की, मेनी वन फंक्शंस की, ऑन टू फंक्शंस की और इन टू फंक्शंस की, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन वन फंक्शंस, मेनी वन फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस एंड इन टू फंक्शंस, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो यानी अब मैं बात करने वाला हूँ वन वन ऑब्लिक मेनी वन की, ठीक है, और ऑन टू ऑब्लिक इन टू फंक्शंस, ठीक है, इनकी बात करने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा, पहली बात ध्यान क्या रखेंगे, पहली बात वन वन फंक्शन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक, वन 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 फंक्शन बोलो या इंजेक्टिव फंक्शन बोलो एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए ऑन टू फंक्शन बोलो और सब्जेक्टिव बोलो, एक ही बात है, समझ आ गया। तो वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव बोलो एक ही बात है, ऑन टू बोलो या सब्जेक्टिव बोलो एक ही बात है, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन वन वन प्लस ऑन टू दोनों है, अगर कोई फंक्शन वन वन प्लस ऑन टू दोनों है तो उसे हम बाइजेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, ठीक है। तो पहली बात तो ये इसलिए बता रहा हूं, अभी तक डेफिनेशन पे नहीं गए, डेफिनेशन पे तो आप जाएंगे डेफिनेटली, पर अगर कल को इंजेक्टिव लिखा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए, वन इंजेक्टिव बोलो या वन वन बोलो एक ही बात है, और सब्जेक्टिव बोलो या ऑन टू बोलो एक ही बात है, और अगर कोई फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों है तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं, क्या बोलते हैं, हम उसे बाइजेक्टिव कहते हैं, एनी फंक्शन विच इज वन वन एंड ऑन टू बोथ And function is said to be bijective, right? अच्छा अब बात आती है कि भाई है क्या चीज, इंपॉर्टेंट है क्या चीज, राइट है, तो देखते हैं ना, मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे सब कुछ भी हो, किसी भी एग्जाम के हिसाब से देखें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए बहुत सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये ए बी सी लेते हैं और ये वन टू थ्री लेते हैं, ओके, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, चलिए एक एग्जाम्पल मेरे पास ये है, ठीक, ये अपने पास एक एग्जांपल है। देखिए अगर इस फंक्शन की बात करूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ए के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, है ना, ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है, ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या, फंक्शन वन वन है, वन वन का क्या मतलब होता है, वन वन का मतलब होता है एक का एक से, एक का एक से का क्या मतलब होता है, अलग अलग लोगों के अलग अलग लोगों से कनेक्शन है, इसका मतलब वन वन है। तो वन वन फंक्शन का मतलब है अगर मेरा फंक्शन ए से बी जा रहा है,
माय फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की, अगर बी में डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हैं, ठीक है, ए के डिफरेंट एलिमेंट्स की बी में डिफरेंट इमेजेस हैं, तो फंक्शन इज सेट टू बी 1 1, यानी ए के अलग अलग एलिमेंट्स की बी में अलग अलग इमेजेस हैं, फंक्शन इज सेट टू बी 1 1, ठीक। तो 1 1 की डेफिनेशन क्या है, ये 1 1 फंक्शन है। कैसे पता चला ये 1 1 फंक्शन है, ऐसे पता चला कि ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है, यानी अलग अलग एलिमेंट अलग अलग इमेजेस, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस हैं, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। इधर आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए ए की इमेज 1 है और बी की इमेज 1 है, ठीक है, ए की इमेज भी 1 है और बी की इमेज भी 1 है, इसका मतलब कैसा फंक्शन है, मैनी 1, ठीक। मैनी 1 में क्या आ रहा है, मैनी 1 में मैनी पहले आ रहा है, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है, मैनी 1, मैनी मतलब बहुतों का एक से, यानी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज है तो फंक्शन मैनी 1 होगा। तो डेफिनेशन को अगर हम जनरलाइज करें तो कैसे बोलेंगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होगी, समझ में आ गया, अगर दो एलिमेंट बराबर नहीं है तो उनकी इमेजेस भी बराबर नहीं होगी, समझ में आ गया, ये कंडीशन है किसकी, 1 1 की। और यहाँ पर क्या है, अगर दो एलिमेंट बराबर नहीं है पर उनकी इमेजेस बराबर हैं तो ये कंडीशन होगी मैनी 1 की, समझ में आ गया, इफ टू एलिमेंट्स आर डिफरेंट इमेजेस आर डिफरेंट, अगर टू एलिमेंट्स आर डिफरेंट इमेजेस आर सेम, तो ये मैनी 1 है, दिस इज 1 1 है, राइट। अच्छा, ऑन टू इनटू की बात करते हैं तो क्या होता है, ऑन टू, जब हम 1 1 की बात करते हैं या मैनी 1 की बात करते हैं तो हम सारी कंडीशन ए पर देख रहे हैं, एक एलिमेंट से हमारा लेना देना है कि एक एलिमेंट में डिफरेंट इमेजेस हैं तो 1 1, ए के किसी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज है तो मैनी 1, है ना। तो जब हम 1 1 या मैनी 1 की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक एलिमेंट पे फोकस करते हैं, जब हम ऑन टू इनटू की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बी के एलिमेंट्स की, किसकी बात करते हैं, बी के एलिमेंट्स की। बी के एलिमेंट्स की बात करने का क्या मतलब है, अगर बी में हर एलिमेंट की, अगर बी में हर एलिमेंट की प्री इमेज प्रेजेंट है, अगर बी में हर एलिमेंट की प्री इमेज प्रेजेंट है, या फिर ऐसे बोलिए, ऐसे बोल सकते हैं इसका कोडोमेन कितना है, 1 2 3, इसका कोडोमेन कितना है, 1 2 3, और रेंज कितनी है, 1 2 3, तो कोडोमेन भी 1 2 3 और रेंज भी 1 2 3 है, क्लियर। तो अगर कोडोमेन बराबर रेंज है, कोडोमेन बराबर क्या है, रेंज है, फंक्शन क्या कहलाता है, फंक्शन इज ऑन टू, समझ में आ गया, अगर कोडोमेन रेंज के बराबर है तो फंक्शन ऑन टू है, और कोडोमेन अगर रेंज के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा है बेटा, फंक्शन इज इन टू, इन टू, समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक, समझ में आ गया ना। अब जैसे इसको देखो आप, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेजेस हैं, यहाँ कोडोमेन भी 1 2 3 है और रेंज भी 1 2 3 है, तो चूंकि कोडोमेन 1 2 3 और रेंज भी 1 2 3 है, इसका मतलब कैसा है, ये ऑन टू फंक्शन है, तो अब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कोडोमेन कितना है, इसका कोडोमेन है 1 2 3, कोडोमेन कितना है 1 2 3, और रेंज कितनी है 1 2, ठीक है, तो कोडोमेन कितना है 1 2 3 और रेंज कितनी है 1 2, यानी इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इनटू है, कैसा है, इनटू, तो इसको बोलेंगे दिस इज मैनी 1 प्लस इनटू, ये इनटू फंक्शन है, क्लियर। तो सीधा सीधा देखो, मैं तो इतना समझता हूँ, मैं ज्यादा दिमाग लगाता नहीं हूँ, कोडोमेन वो आपको देगा, रेंज आपको निकालनी है, अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आते हैं तो ऑन टू है, बराबर नहीं आते तो इनटू है, सीधा सीधा फंडा याद रखिए, कोडोमेन आपको दिया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा और रेंज आपको निकालनी है, इक्वल आ रहे हैं ऑन टू, इक्वल नहीं आ रहे इनटू, ठीक है। और 1 1 मैनी 1 का मैंने आपको समझा दिया है। अच्छा, अब आता है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेथड्स टू चेक 1 1 / मैनी 1, ठीक है, 1 1 और मैनी 1 को चेक करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, हमें ये देखना है कि 1 1 और मैनी 1 को चेक करने के मेथड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला आता है इसमें ग्राफिकल मेथड, ठीक है, पहला आता है ग्राफिकल मेथड और दूसरा आता है डिफरेंशिएशन अप्रोच, दूसरा आता है डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है। तो मेरे पास दो अप्रोचेस हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड है, एक डिफरेंशिएशन मेथड है। पहले मैं ग्राफिकल समझाता हूँ, जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन आपके पास आया, कोई भी फंक्शन आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी फंक्शन आए, आपने लेट सपोज उसका ग्राफ बनाया और सपोज ग्राफ कुछ ऐसा है, या फिर ग्राफ ऐसा भी आ सकता था, समझा गया, ठीक है। तो सपोज आपने मुझे कोई फंक्शन दिया और आपने बोला कि सर चेक करो कि 1 1 है कि मैनी 1 है, ऑन टू है कि इन टू है, ठीक है, तो पहले तो मैं 1 1 मैनी 1 की बात कर रहा हूँ, है ना। तो मैंने क्या करा, उसका ग्राफ बना लिया, बना लिया ग्राफ, ग्राफ बनाने के बाद मुझे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, समझ आ गया,
सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वन वन मेनी वन चेक करने के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा, और ग्राफ बनाने के बाद मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद मैं देखूंगा कितनी जगह कट हो रहा है। आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये एक्स वन है, मान लेते हैं ये एक्स टू है, और मान लेते हैं ये एक्स थ्री है, और इन सब पर वाई की वैल्यू वाई वन मान लेते हैं। ठीक, तो आप देख रहे हो एक्स वन की इमेज भी वाई वन है, एक्स टू की इमेज भी वाई वन है, और एक्स थ्री की इमेज भी वाई वन है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है इन सब की इमेज वाई वन है। इसका कनेक्शन भी इससे है, इसका कनेक्शन भी इससे, और इसका कनेक्शन भी इससे है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है? ये मेनी वन है। तो सिंपल फंडा क्या है? सिंपल फंडा है, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कर लेंगे, और एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उस ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करेगी तो फंक्शन मेनी वन होगा। ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करेगी तो फंक्शन मेनी वन होगा, और केवल एक ही जगह कट करेगी इस पूरे ग्राफ में। कहीं भी ड्रॉ करो आप लाइन, एक ही जगह कट करेगी। ठीक है, अगर ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन अगर एक ही जगह कट करती है तो वन वन होगा। कैसा है ये? वन वन है। ठीक है, और एक से ज्यादा पॉइंट्स पर कट करेगी तो कैसा होगा? मेनी वन होगा। फंडा समझ में आ गया? एक ही जगह कट करने का मतलब एक पॉइंट की एक इमेज, तीन जगह कट करने का मतलब एक पॉइंट की तीन इमेज। समझ रहे हो ना? समझ आ रहा है? तीन पॉइंट की एक इमेज, क्लियर? तो मेनी वन हो गया। तो ये फंडा है। तो ध्यान रखें, फिर बोल रहा हूं ग्राफिकल मेथड क्या है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पर कट करेगी वन वन, एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगी मेनी वन। ठीक है, अब आता है डिफरेंशिएशन मेथड। ठीक, मैं इस मेथड को बेस्ट मानता हूं। डिफरेंशिएशन मेथड इज अ बेस्ट मेथड। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं किसी बच्चे से ग्राफ नहीं बने, ठीक, कोई भी बच्चा है, मान लो उससे ग्राफ नहीं बना, कुछ नहीं करना पड़ा, डीवाई निकाल लेना। क्या निकालना? डीवाई बाय डीएक्स निकाल लेना। निकाल लेगा? अगर आपने डीवाई निकाला, और अगर डीवाई बाय डीएक्स, ध्यान रखना इन गिवन डोमेन, डोमेन के अंदर ही बात करनी है सारी बातें, सारी बातें हम डोमेन के अंदर ही करेंगे। अगर डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आता है या लेस देन इक्वल्स टू जीरो आता है, ठीक, सबसे पहले आप डोमेन देख लेना, फिर आप डी एक्स निकालना, और डोमेन के अंदर आपको देखना है कि डी एक्स कैसा आ रहा है। अगर आपका डी एक्स सिर्फ पॉजिटिव आता है या सिर्फ नेगेटिव, कोई एक काम ध्यान रखना, कोई एक काम, अगर सिर्फ डी एक्स पॉजिटिव आता है या सिर्फ नेगेटिव आता है, कोई एक काम होगा, तो फंक्शन डेफिनेटली वन वन होगा। फंक्शन इज डेफिनेटली वन वन। और ध्यान रखना कि जीरो पे जो इक्वालिटी है, ये इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। समझ आ गया? एक इंटरवल में जीरो नहीं आना चाहिए डीओडेक्स, डीओडेक्स जीरो आना चाहिए, आ सकता है, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे जीरो आ सकता है। अलग अलग पॉइंट्स पे अगर डीओडेक्स जीरो आ रहा है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तकलीफ है अगर एक इंटरवल में डीओडेक्स जीरो आ गया। ठीक, तो इस पे जीरो पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको करना क्या है, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आ गया, आपने डी वाई एक्स निकाला, निकाल दिया, उसके बाद आपको डोमेन देखना है, और डोमेन के अंदर देखना है कि डी वाई बाई डी एक्स का नेचर कैसा है। अगर डी वाई एक्स सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है या सिर्फ नेगेटिव आ रहा है, कोई एक, ध्यान रखना मैं फिर बोल रहा हूँ, डी वाई एक्स सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन डेफिनेटली वन वन होगा। और अगर इन गिवन डोमेन, इन गिवन डोमेन डीएक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ, दोनों ही काम करते हैं भाई साहब, बोथ, ठीक है ना, एंड, ठीक, समझ आ गया? अगर डीएक्स पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, देन फंक्शन कैसा होगा? मेनी वन होगा, देन फंक्शन इज मेनी वन। ठीक है, तो सीधा सीधा फंडामेंटल याद रखिए, आपको डीएक्स निकालना है, अगर डीएक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं तो many one, सिर्फ positive आ रहा है तो one one, सिर्फ negative आ रहा है तो one one, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी आप one one many one का question करें तो हमेशा domain जरूर check करें, बिना domain के आगे नहीं बढ़ें, क्योंकि बच्चा क्या करता है, आज मैंने आपको graph दे दिया sin x का, बच्चे को graph आता है, फटाउट बना लेगा। graph बनाने से मतलब नहीं बेटा, देख तो सही उसने domain क्या दिया है। तो ध्यान रखें, जब भी question solve करें हमेशा हमें उसका domain देखना है, उसके बाद हमें process करना है, राइट है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस कैसे करेंगे, है ना, तो क्वेश्चंस कैसे करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पर गए, अच्छा, जब फर्स्ट क्वेश्चन पर गया तो सबसे पहले बच्चे ने sin x को देखा। अब बच्चा sin x, अरे sin x तो मुझे आता ही, अरे sin x का आना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, इसका डोमेन देख कितना है, इसका डोमेन है बेटा जीरो से पाई, इसका डोमेन कितना है जीरो से पाई। ठीक है, तो sin x का जो ग्राफ बनाना है वो केवल और केवल इतना सा ही बनेगा,
समझा गया? साइन एक्स का ग्राफ तुझे केवल इतना सा ही बनाना है, ध्यान रखना, जीरो से पाई में केवल इतना सा ही ग्राफ बनेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ नहीं, पहले बताओ ये वन वन है कि मैनी वन है, दो जगह कट कर रहा है इसका मतलब ये मैनी वन है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, चूंकि ये ग्राफ सिर्फ जीरो से पाई में ही बना है, चूंकि ये ग्राफ केवल जीरो से पाई में ही बना है, तो उसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज है बेटा जीरो से वन। चूंकि ये ग्राफ केवल जीरो से पाई में बना है, उसकी रेंज क्या है, जीरो से वन, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है। बेटा ये होता है कोडोमेन और ये होता है डोमेन, ठीक है, समझ आ गया। तो इसकी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसकी रेंज तो जीरो से वन है क्योंकि कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो फंक्शन कैसा हुआ, इनटू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, मैनी वन इनटू, ठीक है। तो ये नहीं कि साइन एक्स सर हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं सर साइन एक्स की रेंज माइनस वन से वन होती है, डिपेंड करेगा डोमेन पर, डोमेन कह दिया उस पर डिपेंड करेगा, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिले, तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे, उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन भी आईआईटी में आया हुआ है, आपको करना क्या है, भाई मान लेते हैं भाई मुझे तो ग्राफ आता है, मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आपको नहीं आता मान लेते हैं, तो आप तो इसका एफ डैश एक्स निकाल लो, क्या निकाल लो, एफ डैश एक्स, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसका एफ डैश एक्स निकाला, जब आप इसका एफ डैश एक्स निकालोगे तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स को रखा एक्स का वन, एक्स को रखा इसका वन, डिवाइड बाय वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स आएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एफ डैश एक्स आ गया, आ गया। एफ डैश एक्स आते ही आपके मन में क्या ख्याल आएगा, आपके मन में ख्याल जो आएगा बता देता हूँ, यहाँ से एफ डैश एक्स दिख रहा है पॉजिटिव है, करेक्ट है, एफ डैश एक्स कैसा दिख रहा है, पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स यहाँ से पॉजिटिव है, तो यहाँ से दो बातें समझ आनी चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो यहाँ से दो बातें समझ आती हैं, पहली बात ये फंक्शन डेफिनेटली वन वन है, और दूसरी बात फंक्शन इंक्रीजिंग है। ध्यान रखना, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, समझ में आ गया। और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन वन वन तो है ही, साथ में इंक्रीजिंग है, और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसकी मिनिमम वैल्यू किस पर आएगी बेटा, ए पर, और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी, बी पर, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, रेंज होगी बेटा एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी, ठीक। आपने एफ डैश एक्स निकाला, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आते हैं आपके मन में पहला क्वेश्चन क्या आया कि भाई एफ डैश एक्स सिर्फ पॉजिटिव आ रहा है यानी वन वन है, और चूंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ रहा है इंक्रीजिंग है, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है ए से बी में, तो मिनिमम वैल्यू ए पर आएगी और मैक्सिमम वैल्यू बी पर आएगी, तो बताओ इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज आएगी बेटा, रेंज आएगी मिनिमम वैल्यू जीरो पर आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पर आएगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू जीरो पर आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पर आएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो पर आएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी पर आएगी, ठीक है, समझ आ गया। तो जीरो पे रख लीजिए, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है, जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, ठीक, जीरो पे जीरो हो जाएगी। अच्छा इन्फिनिटी पर क्या होगा, क्या इन्फिनिटी पर क्या होगा, अरे बहुत आसान है, अरे इन्फिनिटी पर क्या होगा, तो बहुत आसान है, ऊपर एक्स है नीचे से भी एक्स कॉमन ले ले, ऊपर एक्स है नीचे से भी एक्स कॉमन ले ले, ठीक है, ऊपर एक्स है नीचे से भी एक्स कॉमन ले ले। अब इन्फिनिटी पे पता क्या आएगा, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो वन आएगा, कितना आएगा, वन, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो वन आएगा, तो ये इसकी रेंज आ रही है जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, तो क्या आंसर आएगा, इन टू, चलना आगे क्या आंसर आएगा, इन टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन आईआईटी 2012 में आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। इसका हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 6x² - 30x, ये 15x² है, ध्यान रखिएगा ये 15x² है प्लस 36, राइट है, तो 6 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, x - 2 × x - 3, क्लियर। यहाँ से दो पॉइंट मिलेंगे 2 और 3, ठीक, प्लस माइनस और प्लस, भाई ठीक है, आपने एफ डैश एक्स निकाला, कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स निकालने के बाद आपने देखा एफ डैश एक्स मिला, ये आ रहा है, यहाँ से दो पॉइंट मिलेंगे 2 और 3, ये बन गया आपका, ठीक।
ये क्या शो करता है भाई? ये शो करता है कि दो से लेकर तीन में f डैश x नेगेटिव है, और दो के पीछे, क्योंकि मेरा डोमेन तो जीरो से तीन है भाई, मेरा डोमेन तो जीरो से तीन है, मुझे तो जीरो से तीन में ही बात करनी है ना, तो मुझे तीन के आगे बात करनी है ना मुझे जीरो के पीछे बात करनी है, मेरा डोमेन जीरो से तीन है, तो जीरो से लेकर दो में, जीरो से लेकर दो में एफ डैश एक्स कैसा है बेटा? पॉजिटिव है या नहीं? 100% है। दो से लेकर तीन में एफ डैश एक्स नेगेटिव है और दो के पीछे जीरो से दो में पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन डेफिनेटली मैनी वन है। क्यों है? क्योंकि एफ डैश एक्स दोनों काम कर रहा है। मैंने बोला था दिए गए डोमेन में अगर एफ डैश एक्स दोनों काम करेगा इसका मतलब फंक्शन मैनी वन है, तो चूंकि दोनों दोनों ही काम कर रहा है इसका मतलब फंक्शन कैसा है बेटा? मैनी वन है। पक्का? अच्छा, मैनी वन आने के बाद अब ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ठीक है, ध्यान रखें, वापस बता रहा हूं, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है फंक्शन डिक्रीजिंग है। ओके, चलिए ग्राफ कैसे बनेगा, एक रफ स्केच बना रहे हैं, रफ स्केच। जीरो से दो में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, जीरो से दो में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ बढ़ेगा। ठीक है, जीरो से दो में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, ग्राफ बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। दो से तीन में एफ डैश एक्स नेगेटिव है, ग्राफ डिक्रीज करेगा। समझ आ गया? तो जीरो से दो में बढ़ेगा, दो से तीन में घटेगा। समझ आ गया? ये आपका ग्राफ बन गया। अब देख लीजिए, अब मैक्सिमम वैल्यू किस पर आएगी? तो ग्राफ से क्लियर है, दिख रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू तो दो पर आएगी और मिनिमम वैल्यू जीरो पर आएगी। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू दो पर आएगी और मिनिमम वैल्यू जीरो पर आएगी। क्लियर? तो एफ ऑफ दो निकाल लेना आप लोग, एफ ऑफ दो निकाल लेना आप लोग, एफ ऑफ दो निकाल के देख लेना 29 आएगा, एफ ऑफ तीन निकाल के देख लेना 28 आएगा, और जीरो पर तो वैल्यू साफ दिख रही है 1 आएगी। ठीक है, तो जीरो पर वैल्यू 1 आई रही है, 2 पर और 3 पर वैल्यू निकाल के देख लेना। तो बताइए रेंज कितनी आ गई? इसकी रेंज आ गई 1 से लेकर 29 तक। क्लियर? जो कोडोमेन के बराबर है। तो बताइए फंक्शन क्या हुआ? ऑन टू। क्या आएगा? ऑन टू। समझ में आ गया? तो इसका आंसर आएगा फंक्शन मैनी वन ऑन टू है। फंक्शन कैसा है? मैनी वन ऑन टू है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ना, इसमें एक फंडा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, सुन लो अच्छे से। अगर डोमेन आर है, ठीक है, अगर डोमेन आर है और अगर उस पॉलिनोमियल फंक्शन की हाईएस्ट पावर ऑड है ना, ठीक है, समझ में आ गया? अगर डोमेन आर है और अगर फंक्शन की हाईएस्ट पावर ऑड है, पॉलिनोमियल फंक्शन की हाईएस्ट पावर ऑड है, तो उसकी रेंज हमेशा आर होगी। ठीक, ध्यान रखिएगा, इफ डोमेन इज आर एंड हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑड, तो रेंज क्या होगा? हमेशा रेंज इज ऑलवेज आर। समझ आ गया? अगर डोमेन आर है और अगर हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑड, तो रेंज हमेशा आर होगी। बिना सोचे समझे टिक कर देना, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पक्का? ठीक है, अभी जरा जाइए। ठीक है, ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं यहां से यहां तक, इसकी रेंज तो आ रही होगी, पक्का है। डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे? अगर डोमेन आर है भाई, डोमेन आर है तो पक्का है इसकी रेंज क्या होगी? आर होगी। ठीक है, आर होगी। अच्छा, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस वन से वन तक। आर में अगर मैं माइनस वन से वन ऐड भी कर दूंगा तो आर ही रहेगा। समुद्र के पानी में अगर आप अपने घर के पानी से थोड़ा सा मिला दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बेटा इसकी रेंज आर है। आर में अगर माइनस वन से वन ऐड करेंगे तो आर ही रहेगा। तो पहली बात, रेंज आर आएगी। अरे, तो ये कोडोमेन के बराबर है, यानी फंक्शन ऑन टू है। फंक्शन ऑन टू है, ध्यान रखना। फंक्शन कैसा है? ऑन टू। अब बात आती है 1-1 की। तो 1-1 के लिए क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। तो 3x² प्लस 2x प्लस 3 प्लस cos x निकाल लिया एफ डैश एक्स। ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालने के बाद अब सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आपको ये देखना है कि भाई ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। भाई यही तो देखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों है, तो ये देखना है अपन को। तो अपन ने काम करा, यहां से लेकर यहां तक का पार्ट चूंकि ये क्वाड्रेटिक है, कैसा है? क्वाड्रेटिक है, और इस क्वाड्रेटिक का ए पॉजिटिव है। चूंकि ये पार्ट क्वाड्रेटिक है और इसका ए पॉजिटिव है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी बेटा माइनस डी बाय 4 है, तो 4 माइनस 36 बाय 12, तो ये आएगी बेटा 11 बाय 3। ठीक ठीक, आप समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो नाड़ी है। भैया इसकी मिनिमम वैल्यू 11 बाय 3 आ रही है, यानी ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है।
अगर ये मिनिमम 3 पॉइंट समथिंग आएगा तो अगर मैं कॉस एड भी कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कॉस तो -1/1 है ठीक। तो चूंकि ये मिनिमम 3 पॉइंट समथिंग है उसमें अगर मैं -1/1 ऐड करूंगा दैट विल रिमेन्स पॉजिटिव, f'x पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन इज 1/1, फंक्शन इज 1/1 करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे बेटा, 1/1 on 2 यानी बाइजेक्टिव है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है ना। जैसे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइम बचाने के तरीके हैं और कुछ भी नहीं है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में अगर ऊपर और नीचे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है मतलब ऊपर और नीचे में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा कट पटने के बाद ठीक है, मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं जो कॉमन आ रही हो है ना। क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होते हैं है ना, तो अगर ऊपर वाले क्वाड्रेटिक और नीचे वाले क्वाड्रेटिक में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ठीक, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये हमेशा -1 होगा, ऑलवेज -1 ठीक है। टाइम बच गया आपका, आपका टाइम बचा लिया मैंने। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक में अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो कैसा होगा फंक्शन, -1 होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे बात है, डायरेक्ट बोल दो -1 है, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और जब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसका मतलब ये -1 होगा। किसी बच्चे की आत्मा की आवाज आए कि तू क्या कर रहा है, तू मत कर, f'x निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को लगे कि सर ये हम क्या कर गए, तो बेटा ठीक है ना, मत कर बेटा, आराम से f'x निकालो, अपना टाइम खराब कर ठीक, तो ये -1 है। दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे तो on 2 on 2 देखना ना, मुझे रेंज नहीं चाहिए, मुझे तो on 2 on 2 चाहिए बस, ये चेक कर लो। तो देखो गौर से देखना ऊपर वाले को, इसका ए कितना है 2, इसका डी नेगेटिव आएगा ठीक है, ए इसका 2 है, डी नेगेटिव आएगा, बताओ ये टर्म कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव। नीचे वाले पर आ जा, नीचे वाले पर आ जा, इसका बताओ ए कितना है 7 और डी कैसा है नेगेटिव ठीक है, ए 7 है, डी निकालना नेगेटिव आ रहा है, तो ये टर्म कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव। आप समझ में आया, तो अगर आपको भगवान ने बुद्धि दी है तो पता होगा कि जब ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है और नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है तो रेंज तो कभी आर नहीं आएगी, ये तो तय है। जब ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है और नीचे वाली टर्म पॉजिटिव है तो इस फंक्शन की रेंज कभी भी आर नहीं आ सकती, और अगर रेंज आर नहीं आ सकती तो कोडोमेन आर के बराबर, रेंज कभी भी कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, तय है ठीक है। हम डायरेक्ट बोलेंगे कि रेंज कभी आर तो नहीं आनी है, फंक्शन कैसा हुआ इनटू ठीक। फिर वापस किसी की आत्मा की आवाज आए कि सर मैं तो रेंज निकाल के करना चाहता हूँ, तो बेटा क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना मैं सिखा चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं ठीक। ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर f -1/1 टेंडिंग टू b है और tan इनवर्स 2x अपॉन -x स्क्वायर है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो b क्या होगा, क्वेश्चन है कि फंक्शन अगर ऑन टू है तो b क्या होगा ठीक। तो पहले समझो आप करना क्या है, fx इज ऑन टू, तो बताओ रेंज किसके इक्वल होगी, कोडोमेन के यानी बी के इक्वल होगी, समझ आ गया। अगर फंक्शन ऑन टू है तो रेंज किसके इक्वल होगी, कोडोमेन के, कोडोमेन कौन है बेटा बी, यानी अगर मुझे इस क्वेश्चन में बी चाहिए इसका मतलब मुझे रेंज चाहिए, तो आपको रेंज निकाल दो खत्म, बी आ जाएगा ठीक। अच्छा चूंकि एफ -1/1 है तो इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 tan inverse x, तो -1/1 में इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं 2 tan inverse x ठीक है। तो फंक्शन आपने लिख लिया 2 tan inverse x लिख लिया, इसका एफ डैश एक्स निकालो कितना आएगा, 2 upon 1+x² आएगा। क्या f'x हमेशा पॉजिटिव है, बिल्कुल है, f'x हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1/1 है, 1/1 है, 1/1 पूछा ही ना तो क्यों दिमाग लगाए, पर इंक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है तो ग्राफ ऐसे जाएगा, गया ऐसे गया ठीक है। तो मिनिमम कहाँ पर आएगा, इस पर, और मैक्सिमम कहाँ पर आएगा, इस पर ठीक है। ग्राफ यूँ जा रहा है, मिनिमम किस पर आएगा, इस पर, मैक्सिमम इस पर आएगा, तो मिनिमम किस पर आएगा -1 पर और मैक्सिमम आएगा +1 पर ठीक है। तो रेंज आएगी बेटा एफ ऑफ -1 से f(1) ओके। तो -1 रखोगे tan inverse -1 होता है -π/4 ठीक है। tan inverse -1 कितना होता है -π/4, तो ये आएगा -π/2 और ये आएगा +π/2, यही आपका b है और यही आपकी रेंज है। अब हम पहले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए उसमें बोला उसने कि f r से लेकर r में डिफाइंड है, ये डिफाइंड कर रखा उसने करेक्ट है। उसने बोला कि फंक्शन इज अगर 1/1 है तो बताइए m किस में लाई करेगा, क्वेश्चन फंक्शन ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है,
उसने बोला फंक्शन अगर 1 1 है तो बताइए एम किस में लाई करेगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, ग्राफिकल है, दोनों ही क्वेश्चन ग्राफिकल है और दोनों ही बहुत बढ़िया है। स्टार्ट करते हैं, सोचेंगे कैसे। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको एम दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, एम दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि अगर एम पॉजिटिव है तो लाइन एक्यूट एंगल पर जाती है, और अगर एम नेगेटिव है ना, तो लाइन ऑब्ट्यूज एंगल पर जाती है। किसी भी लाइन का स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन एक्यूट एंगल पर जाएगी, स्लोप अगर नेगेटिव है तो लाइन ऑब्ट्यूज एंगल पर जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अच्छा ये आपको दिख रहा होगा, ये पैराबोला है और ये अपवर्ड पैराबोला है। कैसे पता चला? क्योंकि इसका ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली अपवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट। तो इसका ग्राफ तो हम बना लेंगे, बन गया ग्राफ, ठीक है। और जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है? जीरो पे इसकी वैल्यू माइनस वन है, तो ये अपवर्ड पैराबोला बन गया। और जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस वन। अब सारा खेल कौन डिसाइड करेगा? अरे भाई सारा खेल तो ये वाला पार्ट डिसाइड करेगा, सब कुछ किस पर डिपेंड करेगा? एम पर। तो देखते जाओ खेल, ठीक है, आराम से समझना, आराम से। अगर एम नेगेटिव है और एम पॉजिटिव है, ठीक है, देख लेते हैं। अगर एम पॉजिटिव है तो लाइन एक्यूट एंगल पर जाएगी, कैसे जाएगी? एक्यूट एंगल पर, ठीक है। तो पहला केस, अगर एम पॉजिटिव है, अगर एम पॉजिटिव है तो इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव होगा तो लाइन एक्यूट एंगल पर जाएगी, किस पर जाएगी? एक्यूट एंगल पर। ऐसे जाएगी तो लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है। अगर कब? जब एम पॉजिटिव होगा। और इस केस में लाइन कैसे, ये फंक्शन कैसा हो गया? मिनिमम। फंक्शन कैसा हो गया बेटा? मिनिमम, ठीक है। फंक्शन कैसा हो गया? मिनिमम, ठीक। अच्छा एम अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा? आइए वो भी देखते हैं। ये ग्राफ तो ऐसे ही रहने वाला है, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही रहने वाला है। अगर एम जीरो हो गया तो क्या होगा? अगर एम जीरो हो गया तो क्या होगा? अरे भाई अगर एम जीरो हो गया तो ये तो माइनस वन बचेगा, केवल क्या बचेगा? माइनस वन। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो पर ये पूरी दुनिया में माइनस वन बचेगा, क्या बचेगा? माइनस वन। यानी ग्राफ ऐसे जाएगा, तो ये भी मिनिमम हो गया। इनफाइनाइट जगह पे वैल्यू माइनस वन आएगी, इनफाइनाइट जगह पे वैल्यू माइनस वन आएगी, कितनी जगह पे? इनफाइनाइट जगह पे वैल्यू माइनस वन आएगी, तो ये बेटा मिनिमम हो गया। सुन आ गया? मिनिमम हो गया। तो दो बात तो तय है, अगर एम ग्रेटर देन जीरो है तो मिनिमम है, अगर एम इक्वल टू जीरो है तो मिनिमम है, ठीक। अब तीसरा केस बनाने जा रहा हूँ मैं, कौन सा केस? तीसरा केस। आइए तीसरा केस बनाते हैं। तीसरे केस में क्या होगा भाई? ये पार्ट तो एजेड रहेगा। अब हम लेंगे एम लेस देन जीरो, ठीक है, एम लेस देन जीरो लेंगे। और ध्यान रखना, जैसे ही आप एम लेस देन जीरो लेंगे, है ना, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव हो गया, इस लाइन का स्लोप नेगेटिव हो गया, और अगर इस लाइन का स्लोप नेगेटिव हो गया तो लाइन बेटा ऑब्ट्यूज एंगल पर जाएगी, यानी ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी बेटा? ऐसे जाएगी, ठीक है। तो चूंकि एम नेगेटिव करते ही ये लाइन कुछ ऐसे जाने वाली है भाई, और अब ये फंक्शन वन वन है, कहीं देख लो, अब एक ही कट मिलेगा। फंक्शन कैसा है? वन वन है, ठीक है, फंक्शन इज वन वन, ठीक है। तो बताइए वन वन कब मिलेगा? वन वन कब मिलेगा? जब m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो हो। कौन सा आंसर टिक करेंगे? ए। आइए इसको भी देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आ जाइए, ये और भी बढ़िया है, मतलब मुझे पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा लगता है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे नो डाउट, ठीक है, पर है अच्छे हमेशा। अब इसमें करना क्या है? फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। पिछले वाला वन वन की बात कर रहा था, इस बार ऑन टू की बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा अगर फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब कोडोमेन तो आर है, तो रेंज भी आर होनी चाहिए, तो रेंज आर आनी चाहिए, सीधा सा बंडा है, रेंज आर आनी चाहिए। अच्छा चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, एक्स लेस देन वन पर इसका ग्राफ बन जाएगा, एक्स लेस देन वन पर इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स प्लस एन, पॉजिटिव स्लोप है इसका, इसका स्लोप पॉजिटिव है, लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी, वन और वन प्लस की वैल्यू इसको टच कर रही होगी, वन प्लस एन को, समझ आ गया, ठीक है ना। वन को टच मत करा देना क्योंकि वन पर इक्वल का साइन नहीं है, तो यहाँ पर वन प्लस एन, राइट। चलिए आ गया, आ जाइए। अब इधर देखो, इधर स्लोप कितना है? इधर स्लोप तो 2m है, इधर स्लोप कितना है? 2m है। तो m पे डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा? m पर डिपेंड करेगा, वापस ढंग से समझना, m पर डिपेंड करेगा। अब देखो क्या होगा, अगर m नेगेटिव है, अगर m नेगेटिव है, अगर m नेगेटिव है तो लाइन कैसे जाएगी बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल पर जाएगी, किस पर जाएगी? ऑब्ट्यूज एंगल पर जाएगी, कहीं से भी जाए लाइन, कहीं से भी जाए उससे मुझे मतलब नहीं है, ऐसे जाएगी, जाएगी ऐसे, चाहे वो ऊपर से चालू हो तो भी जाएगी ऐसे, चाहे यहाँ से चालू हो तो भी जाएगी ऐसे, क्लियर है। तो ये कैसी लाइन होगी भैया? दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज इन टू। तो अगर एम नेगेटिव है तो बेटा लाइन ऐसे जाने वाली है, ठीक है। और अगर इस केस में ऐसे जाएगी तो लाइन कभी रेंज आर नहीं हो पाएगी, और रेंज आर नहीं हो पाएगी इसका मतलब फंक्शन कैसा है? इन टू, क्लियर। अच्छा एम जीरो होगा तो क्या होगा? एम जीरो होगा तो क्या होगा, देख लेते हैं। ये ग्राफ कैसे चला गया?
अगर n 0 हो गया तो इसकी वैल्यू माइनस वन आ गई, n 0 हो गया इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस वन आ जाएगी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर कौन सी लाइन बनानी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर माइनस वन लाइन बनेगी, ये ग्राफ बनेगा ठीक। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर ये लाइन क्या बनेगी, माइनस वन बनेगी पक्का। तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे जाएगा और ये लाइन ऐसे जाएगी, क्लियर है आपको दिख रहा होगा। इस केस में रेंज कभी आर तो नहीं आने वाली, अरे ऊपर वाले तो सारे पार्ट छूट गए, रेंज आर आने वाली नहीं है। इस केस में फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू, दोनों पार्ट खत्म। अब बचा कौन सा पार्ट, अब बचा तीसरा पार्ट, इसका तीसरा पार्ट बचा जब एम पॉजिटिव होगा, जब एम पॉजिटिव होगा। अब देखो वापस ठीक, ये ग्राफ कैसे जाएगा, ये कैसे जाएगा ठीक। अब चूंकि एम पॉजिटिव है तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, समझना अच्छे से, एम पॉजिटिव तीन पॉसिबिलिटीज है, चूंकि स्लोप पॉजिटिव है बेटा है ना, तो लाइन तो जाएगी एक्यूट एंगल पर। अब लाइन कैसे जा सकती है, देखो लाइन ऐसे जा सकती है, ये लाइन कैसे जा सकती है, या तो ऐसे चली जाए, या फिर थोड़ा ऊपर से चली जाए, या फिर थोड़ा नीचे से चली जाए, तीन पॉसिबिलिटीज हैं भाई। एम तो पॉजिटिव है तो तय है कि लाइन एक्यूट एंगल पर ही जाएगी, पर बेटा लाइन यहाँ से भी जा सकती थी ठीक है, यहाँ से नीचे से भी जा सकती थी और इसके ऊपर से भी जा सकती थी। अब होगा क्या, अगर लाइन ऊपर से चली गई, अगर लाइन ऊपर से चली गई तो ये जो बीच में गैप देख रहे हो ना बेटा, ये गैप तो रेंज आर नहीं हो पाएगी ठीक है। अगर ये लाइन ऊपर से चली गई तो ये बीच में गैप रह जाएगा, और गैप रह जाएगा इसका मतलब रेंज आर नहीं होगी, हमें रेंज आर चाहिए क्योंकि फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। अच्छा अगर लाइन यहीं से चली गई तो रेंज आर हो गई, रेंज आर हो गई। अगर लाइन यहां से चली गई तो भी रेंज आर हो गई, क्यों, अरे यहां तक की सारी वैल्यू इसने कवर कर ली और उसके आगे की सारी वैल्यू इसने कवर कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे जाएगा तो भी रेंज आर आएगा, और अगर लाइन ऐसे जाए और ये लाइन ऐसे जाए तो भी रेंज आ रहा है। इसका मतलब रेंज आर कब मिलेगी, जब एफ वन पर इसकी वैल्यू, वन पर इसकी वैल्यू किसकी, वन प्लस एम, और वन पर इसकी वैल्यू टू एम माइनस वन, वन पर इसकी वैल्यू टू एम माइनस वन ठीक है। वन पर उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, टू एम माइनस वन, वन पर उसकी वैल्यू कितनी है टू एम माइनस वन ठीक है। तो रेंज आर तब मिलेगी जब ये वैल्यू वन पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू या तो बराबर हो जाए, वन पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो जाए तो ग्राफ ऐसे चला जाएगा, या फिर वन पर इसकी वैल्यू वन प्लस एम इसकी वैल्यू से बड़ी हो जाए, रिपीट, वन पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो जाए, दोनों की वैल्यू वन पर बराबर हो जाए तो लाइन ऐसे चली जाएगी, या वन पर इसकी वैल्यू से ज्यादा हो जाए, यानी वन प्लस एम टू एम माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ से एम आ जाएगा लेस देन इक्वल टू टू, और एम ग्रेटर देन जीरो लेके चले ही थे तो आंसर आएगा जीरो से टू, ये आपका आंसर आएगा, तो आंसर आएगा जीरो से टू करेक्ट है। कौन सा आंसर टिक करेंगे बेटा, ए। अच्छा अब इस तरह के क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन आया एन से लेकर आई तक है ना, तो मेरी एडवाइस है जिन क्वेश्चन में फंक्शन एन टू एन हो, एन से डब्ल्यू हो, आई से आई हो, एन से आई हो, इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको वन वन मैनी वन ऑन टू इन टू चेक करना हो तो बेस्ट अप्रोच है बेटा मैपिंग यूज़ करो आप, क्या यूज़ करो आप, मैपिंग यूज़ करो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बेस्ट तरीका है मैपिंग यूज़ करते हैं, यानी एन से आई है एन और ये आई ओके, तो एन कितना होता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये चलता जाएगा, आई कितना होगा माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री, ऐसे चलता जाएगा ठीक। अब क्वेश्चन को समझना, वो कहता है कि जब n ऑड नंबर है, जब n ऑड नंबर है तो सारा कुछ इसमें रखना है आपको ठीक है ना, जैसे ऑड नंबर मतलब वन थ्री फाइव यहाँ रखते जाओ है ना, वन रखोगे तो जीरो आएगा, रखो 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 सब, वन पर कितना आएगा जीरो आएगा, वन पर जीरो, थ्री पर, थ्री पर वन, फाइव पर टू, सेवन पर थ्री ठीक है, ऑड रखते जाओ सारे, तो ऑड रखते जाओ है ना, वन थ्री फाइव सेवन रखते जाओ आता जाएगा। अच्छा इवन है तो यहाँ रखना है, इवन मतलब टू फोर सिक्स एट, रखो टू रखोगे टू, टू पर वैल्यू कितनी आएगी, टू पर वैल्यू आएगी माइनस वन, फोर पर वैल्यू आएगी माइनस टू, सिक्स पर वैल्यू आएगी माइनस थ्री। आप सोचो, आप सोचो हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है, हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज है और हर एलिमेंट की प्री इमेज है, ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं होगा जिसकी प्री इमेज आपको ना मिले, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जितने एलिमेंट है सबकी इमेजेस मिल रही हैं और सिंगल सिंगल मिल रही है दूसरी बात, और यहाँ पर ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज ना मिले, समझ में आया, हर एलिमेंट की प्री इमेज मिलेगी। तो फंक्शन कैसा हुआ, बाइजेक्टर, कैसा हुआ ये, बाइजेक्टर, समझ में आ गया। तो
उसका आंसर होगा बाइजेक्टिव। आईआईटी में वो क्वेश्चन है ये, तो इसका एफ माइनस जी निकाल लेते हैं। जब एक्स रैशनल है, जब एक्स रैशनल है तो एक्स माइनस जीरो एक्स आएगा, ठीक है, एक्स माइनस जीरो एक्स आएगा। और जब एक्स इरेशनल है तो जीरो माइनस एक्स क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स आएगा, ठीक है। तो एस माइनस वी बेटा एक्स आएगा जब एक्स रैशनल है, माइनस एक्स आएगा जब एक्स इरेशनल है। आप सोचो, आप खुद सोचो, है ना, ऐसे सोचो डायरेक्टली, है ना। ये लाइन की इक्वेशन है ना, लाइन की इक्वेशन है तो डेफिनेटली हमेशा वन वन होगा। ये भी लाइन की इक्वेशन है तो ये वन वन होगा, ठीक है, दोनों ही वन वन होंगे, ठीक। अच्छा, अगर आपको समझाऊं, समझाने के लिए बना रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, ध्यान रखना, ठीक। यहां पर आप कोई भी नंबर लिख लो जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद हो, कोई भी नंबर आप लिखना चाहें आप लिख लीजिए अपनी मर्जी से, कोई भी नंबर आप लिखना चाहें, ठीक है, जो आपको लिखना है। सेम उधर भी आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी नंबर जो आपकी दुनिया में सोचे। आप सोचो, वो ये कहता है बेटा कि जब एक्स रैशनल है, क्या कहता है, जब एक्स रैशनल है, जब एक्स कैसा है, रैशनल है, रैशनल तो वैल्यू एक्स आएगी, यानी 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4, 5 पे 5, 6 पर 6, 4 बाई 3 पे 4 बाई 3, ठीक है, माइनस 1 पर माइनस 1, 0 पर 0, 1 पर 1, सेम आएगी वैल्यू, सेम, ठीक है। और जब एक्स इरेशनल है तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स, मतलब रूट 2 पर माइनस रूट 2, रूट 3 पर माइनस रूट 3, माइनस रूट 2 पर रूट 2, माइनस रूट 3 पर रूट 3। एक ऐसा एलिमेंट सोच के बता दो जिसकी प्री इमेज ना मिले। हर इरेशनल की इमेज ये देगा और हर रैशनल की इमेज ये देगा, कोई भी नंबर छूटेगा नहीं दुनिया में, और सबके डिफरेंट इमेजेस आएंगी। क्योंकि सबके डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं और कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। कैसा है, बाइजेक्टिव है, क्लियर, इसका आंसर होगा बाइजेक्टिव। ठीक, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक, इस पर आ जाइए। अगर आप इसमें एफ माइनस जी निकालते हैं, एफ माइनस जी निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एफ माइनस जी, तो जब एक्स रैशनल है तो कितना आएगा, एक्स रैशनल है तो बेटा ये आएगा 2x प्लस 3, ओके। और जब x इरेशनल है, जब x इरेशनल तो ये कितना आएगा, 3x माइनस रूट 5, आ गया। तो रैशनल तो ये आ गया, इरेशनल तो ये आ गया, राइट। अच्छा, आप सोचो, क्या ऐसा कोई पॉइंट है, ऐसा कोई पॉइंट है जब आप सोचेंगे कि यार ये मेनी वन हो सकता है कि यस, माइनस 3 बाई 2 पर ये 0 हो रहा है, माइनस 3 बाई 2 पर ये 0 हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, और रूट 5 बाई 3 पर ये 0 हो रहा है। तो माइनस 3 बाई 2 पर भैया ये 0 हो रहा है और रूट 5 बाई 3 पर भैया ये 0 हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है, मेनी वन है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप सोचो, कोई ऐसा सोचो, कोई ऐसा एलिमेंट है क्या दुनिया में जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले, तो सोचना पड़ेगा। आप थोड़ी देर सोचोगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे मैंने सोचा, क्या मुझे माइनस रूट फाइव मिलेगा, मैंने क्या सोचा तो देख लेते हैं, देखते हैं, इसको इक्वल कर रहा हूं माइनस रूट फाइव पे, तो एक्स जीरो आना चाहिए। अगर मुझे माइनस रूट फाइव चाहिए तो यहाँ एक्स जीरो रखूंगा, एक्स जीरो रख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स इरेशनल लिखा हुआ है, यानी माइनस रूट फाइव निकालने के लिए मुझे जीरो रखना पड़ेगा, जीरो में रख नहीं सकता, यानी ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहां से अगर मुझे माइनस रूट फाइव चाहिए, अगर यहां से मुझे माइनस रूट फाइव चाहिए तो एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस थ्री माइनस रूट फाइव डिवाइड बाई टू, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स रैशनल होना चाहिए, और आ क्या रहा है, रैशनल आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि माइनस रूट फाइव अगर मुझे चाहिए तो ना तो वो यहाँ से मिलेगा और ना मुझे यहाँ से मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा। और एक भी एलिमेंट अगर ऐसा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब फंक्शन जो है वो इनटू है, यानी रेंज कोडोमेन के बराबर ही नहीं होगी भाई, और रेंज अगर कोडोमेन के बराबर नहीं है तो फंक्शन कैसा है, इनटू है। आंसर क्या देंगे, इनटू फंक्शन, क्या आंसर देंगे, इनटू फंक्शन, करेक्ट है। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के यूट्यूब चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ फंक्शंस की, वन वन फंक्शंस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ या ऑन टू फंक्शंस कैसे निकालेंगे, इसकी बात करते हैं, ठीक। उसको समझना बहुत आसान है। जैसे
मान लेते हैं चार बॉयज हैं अपने पास, है ना, चार बॉयज हैं ठीक है, और चार गर्ल्स हैं ना, एग्जाम्पल है सर, है ना, चार बॉयज है चार गर्ल्स है। अब शादी की बात चल रही है ना, शादी की बात चल रही है तो क्या हुआ भाई, बॉयज को चॉइस दी गई भाई, ठीक है, बॉयज को चॉइस दी गई भाई, गर्ल्स को सेलेक्ट करो, ये उल्टा भी हो सकता था, गर्ल्स को चॉइस दी जाएगी, बॉयज सेलेक्ट करें, राइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं बॉयज को चॉइस दी गई, ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है, नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, आप समझना, कोशिश करना समझने की नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है, तो पहले वाले लड़के के पास कितनी चॉइस है, चार चॉइस है, इन चारों में से किसी से भी शादी कर सकता है वो, चार चॉइस है, ठीक है, मान लेते हैं इस भाई ने इससे शादी कर ली। अब सेकंड वाले के पास कितनी चॉइस है, सेकंड वाले के पास भी चार ही चॉइस है, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब मैंने फंक्शन पढ़ाया था शुरू में, तभी समझाया था कि ए बी सी वन टू थ्री, समझाया था कि नहीं समझाया था, इसका कनेक्शन दो से तो इसका भी दो हो सकता है, इसका भी दो हो सकता है, फंक्शन है ये, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ए के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, ठीक है, तो ये मतलब, तो ये क्या दिक्कत है भाई, ए टू से कनेक्ट है तो बी भी टू से कनेक्ट हो सकता है, सी भी टू से कनेक्ट हो सकता है, तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं, फंक्शन की बात करूं तो इसके पास अगर चार चॉइस थी तो अगले वाले के पास भी चार है, अगले वाले के पास भी चार है, अगले वाले के पास भी चार है, सबके पास चार चार चॉइसेस अवेलेबल हैं अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की बात करूं तो वन वन का मतलब एक का एक से, एक का एक से मतलब पहले वाले के पास चार चॉइस थी तो दूसरे वाले के पास तीन ही चॉइस होंगी, तीसरे वाले के पास दो ही चॉइस होगी और लास्ट वाले के पास एक ही चॉइस होगी। फंक्शन में ध्यान रखना सारी लाइन हमेशा खुली है, ठीक है, इस भाई के पास भी चार चॉइस थी, 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 फंक्शन की बात कर रहा हूँ। लेकिन वन वन फंक्शन में क्या होगा, पहले के पास चार, दूसरे वाले के तीन, तीसरे वाले के पास दो और लास्ट वाले के पास एक, मतलब वन वन फंक्शन का मतलब है कि दिल के अरमासों में रह गए, जो गया उसे भूल जाओ, ठीक है, तो ये अपने पास है। अच्छा, तो ये हो गए नंबर ऑफ फंक्शन और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो आइए अब हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। ये ध्यान रखिएगा, जिस बच्चे को फंक्शन निकालना आता है और वन वन फंक्शन निकालना आता है, तो मैनी वन निकालने के लिए टोटल फंक्शन में से वन वन फंक्शन सब्ट्रैक्ट कर दे, मैनी वन फंक्शन निकालने के लिए टोटल में से वन वन सब्ट्रैक्ट कर दे, और इन टू निकालना हो तो टोटल में से ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर दे। अभी ऑन टू निकालना सिखाऊंगा, पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाइए। चलिए, हाँ भाई, कितने लोग हैं यहाँ पर, एक दो तीन चार, यहाँ कितने लोग हैं बेटा, दो, क्लियर, पहले वाले के पास कितनी चॉइस है, दो, दूसरे वाले के पास दो, तीसरे वाले, सबके पास दो दो चॉइस है, 16 आंसर आएगा, हर किसी के पास दो दो चॉइस है, हर किसी के पास, इसके बाद दो, इसके बाद दो, इसके बाद इसके बाद, सबके पास दो दो चॉइस है, फंक्शन कितना आएगा, 16। अब बात आती है वन वन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब खुद कॉमन सेंस वाली बात है, वन वन कैसे मिलेगा भाई, मिल ही नहीं सकता ना, अरे यार ये इससे कनेक्ट हो गया, मान लो ये इससे कनेक्ट हो गया, अब ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, तो इसको किसी ना किसी से तो कनेक्ट होना पड़ेगा, ये तो फंक्शन ही नहीं बनेगा भाई, फंक्शन के लिए कंडीशन जरूरी है कि हर किसी का कनेक्शन हो, तो भैया जरूरी है कि ये किसी ना किसी से तो कनेक्ट होगा, और अगर ये किसी से भी कनेक्ट हो गया तो फंक्शन कैसा है, मेनी वन। तो ध्यान रखें, अगर मेरा फंक्शन ए से बी जा रहा है और ए में एलिमेंट बी से ज्यादा है, ए में एलिमेंट बी से ज्यादा है, तो वन वन फंक्शन मिलेगा ही नहीं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होंगे, जीरो, ये एग्जाम्पल दिख रहा है, सुनना गया, अगर ए में एलिमेंट बी से ज्यादा है तो वन वन फंक्शन मिलेगा ही नहीं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होंगे, जीरो, सारे फंक्शन मेनी वन होंगे, तो 16 माइनस जीरो यानी 16, आ गया, क्लियर, तो ध्यान रखिएगा, अगर ए में एलिमेंट बी से ज्यादा है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जीरो होंगे, और अगर बी में एलिमेंट ए से ज्यादा है तो ऑन टू नहीं मिलेगा, अरे ऑब्वियस ही बात है, कैसे, अरे ये ले भैया 1 2 3, यहाँ लिखा 4 5 6 7, ये तो बच गया ना एक, ऑन टू मिलेगा नहीं, ठीक है, तो ऑन टू कब नहीं मिलेगा, जब बी में एलिमेंट ज्यादा है, वन वन कब मिलेगा, जब ए में एलिमेंट ज्यादा है, ठीक है। अच्छा, बात आती है ऑन टू निकालेंगे कैसे, अगर आपको ऑन टू फंक्शन निकालने हैं, अगर आपको ऑन टू फंक्शन निकालने हैं तो सिंपल एक फंडा लगाना होता है पीएनसी के अंदर, पीएनसी के अंदर क्या फंडा लगाना है कि ना हमारे पास चार बच्चे हैं, मतलब हमारे पास चार बुक्स हैं, है ना, इन चार बुक्स को दो बच्चों में बांटो, इन चार बुक्स को दो बच्चों में इस तरह से बांटो कि हर बच्चे को कम से कम एक बुक मिले, समझ आ गया, क्लियर है, तो आपको फंडा लगाना है कि चार बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है, ये चार बुक्स हैं और ये दो बच्चे हैं, इन चार बुक्स को दो बच्चों में ऐसे बांटो कि हर बच्चे को कम से कम एक बुक मिले, तो कैसे बांटोगे, चार बुक्स हैं, एक एक तो दोनों के पास गई, चार बुक्स को दो बच्चों में बांटना है, तो चार बुक्स में से दो एक एक तो गई, अब बची दो, वो दो पहला वाला ले लें, एक तरीका, दूसरा तरीका
कि इसके पास भी दो आ जाए और इसके पास भी दो आ जाए, और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है भाई, एक एक तो जाएगी जाएगी, बची दो, वो दो इसके पास दे दो या इसके पास दे दो, या फिर दोनों के पास दो दो दे दो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो आपने ग्रुप डिवीजन अगर पीएनसी में पढ़ा है तो ग्रुप डिवीजन लगा लीजिएगा, 4 factorial divided by 3 factorial 1 factorial, और कितने लोगों में बांटना है, 2 लोगों में, 2 factorial। तो ये तो हो गया ग्रुप डिवीजन और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। इधर आ जाइए, यहाँ पर 4 factorial divided by 2 factorial 2 factorial, और चूंकि दो ग्रुप सेम है तो डिवाइड बाई 2 factorial, कितने लोगों बांटना है, 2 लोगों में, ठीक। देखो पहले तो ग्रुप बनाओ, ये तो हो गया ग्रुप बनाना और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया ग्रुप बनाना, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा देख लेते हैं इसका, ये आएगा 24 into 2 48, 48 divided by 6 कितना आएगा, 8। इधर आ जाइए, ये आएगा 24 by 8 3 6, 14 आंसर आएगा। ऑन टू आ गया तो इन टू कितना आएगा, इन टू फंक्शन आ जाएंगे बेटा, 16 minus 14, 2 आंसर आएगा इसका, इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इन्वर्स फंक्शन, ठीक है। अच्छा इन्वर्स फंक्शन की बात करते हैं, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, बहुत सीधी सी बात है, कोई फंक्शन अगर ए से बी जा रहा है, ठीक है, कोई फंक्शन अगर ए से बी जा रहा है और वो बाइजेक्टिव है, ध्यान रखना इन्वर्स फंक्शन केवल और केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2 होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन ए से बी जा रहा है और फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका इन्वर्स जो डिफाइंड होगा वो बी से ए में डिफाइंड होगा। मतलब मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर एफ एक फंक्शन जो ए से बी जा रहा है जो कि 1 1 और on 2 फंक्शन है, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक फंक्शन जी बी टू ए, जी मतलब एफ इनवर्स बी टू ए एग्जिस्ट करेगा, कि अगर एक्स पर एफ की इमेज वाई थी तो वाई पर जी की इमेज एक्स होगी। मैं इसको समझाता हूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा फंक्शन ए से बी जा रहा है, अगर मेरा फंक्शन ए से बी जा रहा है तो उसका इनवर्स बी से ए जाएगा, उसका इनवर्स बी से ए जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा बेटा, ऐसा तब होगा जब फंक्शन कैसा होगा, बाइजेक्टिव होगा, तो ये इनवर्स बन गया मेरे लिए, समझ आ गया। यानी ए पर एफ लगाया तो 1 मिला, ए पर एफ लगाया तो 1 मिला, तो 1 पर एफ इनवर्स लगाया तो ए मिला। यही बात उसने यहां पर बोली है कि एक्स पर एफ लगाया तो वाई मिला, तो वाई पर जी लगाया तो एक्स मिला, ठीक है, समझ आ गया। तो बेसिकली क्या है, ये इनवर्स फंक्शन की कंडीशन है, पर ध्यान रखें इनवर्स फंक्शन तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। दूसरी बात, अगर किसी फंक्शन पर कोई पॉइंट अगर अपन x, y लेते हैं, अगर किसी फंक्शन पर अगर कोई पॉइंट अपन x, y लेते हैं तो इनवर्स जब हम निकालेंगे तो इनवर्स पर क्या हो जाएगा, पॉइंट y, x हो जाएगा, क्लियर। यानी उल्टा कर दो, x की जगह y, y की जगह x कर दो, भाई इनवर्स का फंडा यही है बेसिकली। जब भी हम इनवर्स की बात करते हैं, अगर किसी फंक्शन पर कोई पॉइंट अगर 1, 2 है तो इनवर्स वो पॉइंट क्या बन जाएगा, 2, 1 बन जाएगा, ठीक। अच्छा अब बात आती है इनवर्स निकालेंगे कैसे, है ना। इनवर्स निकालने के 2 मेथड है। पहला मेथड है कि आप क्या करो, एक ही बात है, दोनों मेथड एक ही है। सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसको वाई मान लो, ठीक है, अज्यूम गिवन फंक्शन वाई, जो फंक्शन दे रखा है उसको वाई मानो। वाई मानने के बाद एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई, आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई, आपको एक्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ वाई, और एक्स को हटा के लास्ट में एफ इनवर्स एक्स लिख दो और वाई को हटा के एक्स लिख दो। बस सीधा सीधा फंडा है, एक्स निकाल लो इन टर्म्स ऑफ वाई, तुम मुझे एक्स दो मैं तुम्हें इनवर्स दूंगा। तो जैसे ही तुम एक्स निकालोगे इन टर्म्स ऑफ वाई, तो एक्स को हटा के लास्ट में एफ इनवर्स एक्स लिख देंगे, वाई को हटाकर अपन एक्स लिख देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका कि आप एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स रख दो स्टार्टिंग में, सीधा जहां जहां एक्स आ रहा दुनिया में वहां वाई रख दो, जहां जहां दुनिया में वाई आ रहा है वहां पर एक्स रख दो और वाई निकाल दो, वही आपका आंसर है। तो जो आपको ठीक लगे वो करिए, दोनों मेथड अपनी जगह ठीक है, दोनों मेथड एक ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पर, ठीक। ध्यान रखना इनवर्स निकालते समय बाइजेक्टिव जरूर देख लें, अगर क्वेश्चन के ऑप्शंस में नन ऑफ दीज नहीं है, और नन ऑफ दीज नहीं है और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं लिखा हुआ है और कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो फिर ये बाइजेक्टिव चेक करने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ और मैं कहीं भी नन ऑफ दीज नहीं दे रहा हूँ, ये कहीं भी नहीं लिख रहा कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इनवर्स निकालना चालू कर दो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम वाई मानेंगे, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लिया 10 बेस पर, दोनों तरफ लॉग ले लिया 10 बेस पर, तो यहाँ से एक्स आ गया, बस लास्ट स्टेप क्या होगी, एक्स को उठाकर एफ इनवर्स एक्स और वाई को उठाकर एक्स, ये आपका आंसर है, समझ आ गया, ये आपका आंसर है, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए सेकंड वाले पार्ट पर आ जाइए, सेकंड वाले पार्ट पर आ जाइए, ठीक है। इस वाले फंक्शन में क्या क्वाड्रेटिक है, इसको वाई बोल दिया आपने, इस वाई को उधर ले जाइए,
वाई को उधर लेंगे, पहले वाई माना, वाई को उधर लेंगे, अब क्या करेंगे, सीधराचार्य लगाएंगे, जब सीधराचार्य लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री प्लस माइनस नाइन माइनस फोर वाई माइनस टू डिवाइड बाय आ गया, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जो भी आएगा देख लेते हैं कितना आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट सत्रह माइनस फोर वाई डिवाइड बाय टू। अब यहाँ पर बच्चे को एक चीज समझनी है, देखिए किसी भी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो भी यूनिक होता है, यूनिक का मतलब एक फंक्शन का बेटा एक ही इन्वर्स निकलेगा, दो इन्वर्स नहीं निकलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, तो इन्वर्स तो एक ही निकलेगा, अब यहाँ पर दो आ गए, प्लस आ रहा है और माइनस आ रहा है, तो हमें किसी एक को लेना पड़ेगा, अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किसको लें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है हम किसको लें, यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर दी है, यहाँ टू माइनस वाई है तो ये आएगा 17, सॉरी ये आएगा 1 प्लस 4y, करेक्ट है, चलिए आ गया था। अच्छा अब हमें डिसाइड करना है कि बेटा प्लस लें कि माइनस लें, ये डिसाइड करना है, तो अब सोचना अच्छे से मैं कैसे कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, यही चीज़ समझने की है, इनवर्स में अगर कुछ समझना है तो यही पार्ट जो मैं समझाने जा रहा हूँ, बेटा ये क्या है, ये x है, ये क्या है बेटा, ये y है, ध्यान रखना, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब बेटा यही रेंज है और यही कोडोमेन है, दोनों बराबर है, इसका मतलब ये y है, इनवर्स के क्वेश्चन में ये वाई है, अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वाई है, तो वाई मुझे पता है, एक्स मुझे पता है। अब मैंने सपोज मैंने प्लस ले लिया, सपोज ले लिया प्लस, तो एल एन एक्स इक्वल्स टू मैंने प्लस ले लिया, तो थ्री प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर वाई बाई टू आ गया, करेक्ट है। अच्छा अब अगर ये सही है, अगर ये आंसर सही है तो मैं वाई की वैल्यू माइनस वन बाय फोर से इन्फिनिटी में कुछ भी लूँ, y की वैल्यू माइनस वन बाय फोर से इन्फिनिटी में कुछ भी लूँ ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर ये आंसर सही है तो माइनस वन बाय फोर से इन्फिनिटी में कुछ भी लूँ सेटिस्फाई करना चाहिए। मैंने y की वैल्यू जीरो ले ली, मैंने y की वैल्यू क्या ले ली, जीरो ले ली, ठीक है, तो मैंने y की वैल्यू जीरो ले ली, अगर मैंने y की वैल्यू जीरो ले ली तो एल एन एक्स बराबर आ गया बटा टू आ गया, यानी x बराबर आ गया ई स्क्वायर, क्या ई स्क्वायर मेरे डोमेन में है, क्या ई स्क्वायर मेरे डोमेन में है, देख लीजिए आप, मेरा डोमेन तो जीरो से ई की पावर माइनस थ्री बाई टू है भाई, मेरे डोमेन में ई स्क्वायर नहीं है, तो अगर मैंने वाई की वैल्यू जीरो ली तो एल एन एक्स की वैल्यू ई स्क्वायर आ रही है, एल एन एक्स टू आ रहा है, एक्स ई स्क्वायर आ रहा है, जो कि मेरे डोमेन में नहीं है, ये मेरे डोमेन में नहीं है, इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसका मतलब ये आंसर गलत है, ठीक है, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक। अब बचा कौन सा वाला बेटा, अब बचा माइनस वाला, कौन सा वाला, माइनस वाला, तो माइनस वाला भी लेके देख लेते हैं, लगे माइनस वाला तो लेके देख लेते हैं, माइनस थ्री और माइनस अंडर रूट वन माइनस वन प्लस फोर बाई डिवाइड बाई टू, चलो वाई के लिए जो पसंद हो, माइनस वन बाय फोर से इन्फिनिटी में तुम्हें जो पसंद है वो ले लेना, जीरो ले लूँ तो एल एन एक्स बराबर कितना आया, माइनस टू आया कि नहीं आया, आया तो एक्स बराबर आया ई की पावर माइनस टू, बिल्कुल सेंटरवेल में आएगा, 100% आएगा सेंटरवेल में, सन आ गया 100% सेंटरवेल में आएगा ये, उसका मतलब सही है, ठीक, समझ में आ गया, तो आंसर कौन सा होगा बेटा, माइनस वाला होगा, प्लस वाला नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, माइनस वाला, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ये, तो x बराबर आएगा e की पावर माइनस थ्री माइनस अंडर रूट वन प्लस फोर वाई बाई टू, लास्ट में x की जगह क्या लिखना होता है, f इनवर्स x, और y की जगह क्या लिखना होता है बेटा x, ये काम अगली बार से आप खुद करोगे, समझ आ गया, ये काम अगली बार से आप खुद करोगे, ओके। सी वाले पे थर्ड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आईआईटी में क्वेश्चन है, ये पहले y मान लिया, लॉग ले लिया टू बेस पर, सबको एक तरफ लेके जाइएगा और सीधराचार्य लगा लीजिएगा, ठीक है। अच्छा ये तो दिखी गया ना, ये क्या है अभी, ये तो x है और ये y है, पता है ना कैसे, ठीक है ना, ये x है डोमेन है और ये y है, क्योंकि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन है। अच्छा यहाँ तक आ गया, अब यहाँ पर अगर हम माइनस लेते हैं सपोज, है ना, अगर मैं नेगेटिव साइन लेता हूँ, अगर मैं नेगेटिव साइन लूंगा तो ये आएगा वन माइनस अंडर रूट वन प्लस फोर लॉग टू वाई डिवाइड बाई टू। अब हम इतने इंटेलिजेंट तो हैं कि ये टर्म डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी, और अगर वन में से कोई भी पॉजिटिव नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आएगा तो वन से कम ही, ये तो तय है, क्योंकि वन में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करूंगा पॉजिटिव नंबर तो ये वैल्यू वन से कम आएगी। अगर कोई नंबर वन से कम है उसको टू से डिवाइड कर दूंगा, कोई नंबर अगर वन से कम है उसको टू से डिवाइड कर दूँ तो आप सोचो उसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक से तो कम ही आएगी डेफिनेटली, एक से ज़्यादा तो आने से रहेगी, तो डेफिनेटली वैल्यू एक से कम आएगी।
और अगर एक से कम आएगी तो डोमेन में नहीं है, एक से कम आएगी तो डोमेन में नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमें वन प्लस लेना पड़ेगा, वन माइनस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम नेगेटिव साइन लेंगे तो ये चीज एक से कम हो गई, एक से कम होते ही उसको दो से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू एक से कम ही आएगी, और एक से कम आएगी तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारा एक्स वन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, प्लस वाला, ठीक, समझ में आ गया, रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, प्लस वाला, यानी आंसर क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स बराबर आएगा वन प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर लॉग एक्स बेस टू डिवाइड बाय, ये आपका आंसर है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन आप खुद करना, सेम ही तरह का क्वेश्चन है, मैं सेम ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये है, सेम वैसे ही क्वेश्चन ये है, इसमें भी आपको ले देके वापस प्लस और माइनस की फाइट आएगी, वो आप सेलेक्ट कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर फाइव, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं। देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जी आई है, ठीक। जब जी आई एफ आ जाए और इन्वर्स निकालना हो, जी आई एफ आ जाए और इन्वर्स निकालना हो, तो पहले जी आई एफ को डिफाइन कर लेना, ठीक है, डिफाइन करके उसे हटा देना, नहीं तो इन्वर्स नहीं निकालने में दिक्कत आएगी अपन को। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखा x कहाँ से कहाँ तक है, ये हमारा x है और ये मेरा y है, तो x कहाँ से कहाँ तक है, 2 से 4, ठीक, x मेरा 2 से 4 है, अगर x 2 से 4 है तो x by 2 कहाँ से कहाँ तक है, x by 2 मेरा 1 से 2 है, दुनिया में कोई भी नंबर अगर 1 से 2 के बीच में है तो उसका बॉक्स 1 होता है, x मेरा 2 से 4 है, x by 2 1 से 2 है, 1 से 2 का बॉक्स 1 होता है, हो गया, यानी इस भाई साहब को हटाकर मैं 1 लिख सकता हूँ, ये है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा लेना पहले, तो मेरे पास y कितना आ गया, बट x plus 1, तो x कितना आ गया, y minus 1, तो f inverse x कितना आ गया, f inverse x बराबर आ गया बेटा x minus 1, ये आपका आंसर है, ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप इसके, राइट। अच्छा अब हम समझते हैं fx और f inverse x का जो ग्राफिकल मीनिंग है वो क्या है, ग्राफिकल मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। देखिए ग्राफिकल मीनिंग क्या है, जैसे मान लेते हैं ये fx है अपने पास, है ना, ये fx है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये फंक्शन है, राइट, ठीक। तो आप ध्यान रखें fx एंड f inverse x, fx एंड f inverse x बोथ आर सिमेट्रिक अबाउट लाइन y = x, fx तथा f inverse x दोनों y = x के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने क्या बोला था, fx पे अगर कोई पॉइंट x, y है, तो f inverse x पे पॉइंट क्या होगा बेटा, y, x होगा। कुल मिलाकर आपको करना क्या है, आपको fx बनाना है, fx बना के उसकी y = x के रिस्पेक्ट में इमेज लेनी है, तो y = x के रेस्पेक्ट में जो इमेज लेंगे वो f inverse x होगा, समझ में आ गया। यदि fx पता है तो उसकी y = x के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, इमेज लेंगे, जो इमेज होगी वो क्या होगी बेटा, f inverse x होगी, क्लियर। तो ध्यान रखें अगर मुझे fx पता है तो f inverse x बनाने के लिए कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, f inverse x बनाने के लिए हम पहले y = x लाइन ड्रॉ करेंगे, कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, y = x लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अगर मेरे पास fx का ग्राफ पता है, ये किसका ग्राफ है, fx का ग्राफ पता है, और अगर मुझे f inverse x बनाना है तो y = x ड्रॉ करेंगे और उसकी इमेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इमेज। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ है बेटा f inverse x, समझ आ गया। तो f inverse x कैसे बनाते हैं, fx का ग्राफ बनाओ, उसकी y = x के रेस्पेक्ट में इमेज ले लो, और y = x के रेस्पेक्ट में जो इमेज आएगी वो f inverse x होगी, ठीक। तो अगर ये fx है तो ये f inverse x है। अब यहां पर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट a है मान लेते हैं। अब आप इस पॉइंट a पर देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट ए पर देखो क्या हो रहा है, इस पॉइंट ए पर ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ तीनों मिल रहे हैं, ठीक है। पॉइंट ए पर ये और ये ग्राफ तीनों मिल रहे हैं। किसी पॉइंट पर तीनों ग्राफ कब मिल सकते हैं, किसी पॉइंट पर तीनों ग्राफ कब मिल सकते हैं, जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो। तो पॉइंट ए पर चूंकि ये तीनों मिल रहे हैं, इसका मतलब पॉइंट ए पर तीनों की वैल्यू बराबर है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स और एक्स तीनों इक्वल है। तो हम देखें तो अगर पॉइंट ए पर अगर हम देखें तो चूंकि ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ तीनों सेम वैल्यू दे रहे हैं तभी तो मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट करेंगे, इफ एफ एक्स एंड एफ इनवर्स एक्स इंटरसेक्ट करेंगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट किस पे लाई करेगा, लाइन वाई इक्वल टू एक्स पर लाई करेगा, ठीक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं देन इंटरसेक्शन पॉइंट लाई ऑन लाइन y इक्वल टू x, समझ में आ गया। अगर fx और f inverse x इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका पॉइंट y इक्वल टू x पे भी लाई करेगा,
इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं, जैसे वाई कोस्ट वन बाई एक्स है, वाई कोस्ट वन बाई एक्स का इनवर्स वाई कोस्ट वन बाई एक्स ही होता है, सुनना आ गया ठीक। तो हम ध्यान रखें हमें करना क्या है, ग्राफिकल मीनिंग क्या है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ मिले एफ एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो आप क्या करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स एक्स के भी बराबर है और एफ इनवर्स एक्स भी एक्स के बराबर है, ठीक है। तो एफ एक्स भी एक्स के बराबर है बेटा और एफ इनवर्स एक्स भी एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स लेके सॉल्व करें, समझ आ गया। तो अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो आपको ये लेके चलना है, ये ध्यान रखिएगा। आपको अगर ऐसा मिले तो ऐसा लेकर चलिएगा, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा, राइट, समझ आ गया। ये ग्राफिकल मीनिंग है। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखिए उसमें बोला है एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, बोला है पक्का एफ एक्स इक्वल टू क्या बोला है एफ इनवर्स एक्स बोला है, तो क्या करेंगे सीधा सीधा बेटा एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो, सीधा सीधा क्या कर दो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स ले लो, कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू टू आई। एक बच्चा होता है जो उसका इनवर्स निकालता, एक बच्चा जो होता है वो इसका इनवर्स निकालता, हमने क्या करा सीधा एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेके सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया, ठीक। देखो सेकंड क्वेश्चन को समझना, उसने एफ एक्स दे रखा है एफ एक्स, करेक्ट है। उसने क्वेश्चन में क्या बोला इफ जी एक्स इज अ फंक्शन हूज ग्राफ इज रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स अबाउट लाइन वाई इक्वल टू एक्स, उसने बोला है कि जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ एफ एक्स के ग्राफ का वाई इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन है, जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ एफ एक्स के ग्राफ का वाई इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन है, मतलब सोचो ये एफ एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल टू एक्स में इसका रिफ्लेक्शन लूंगा, अगर एफ एक्स के ग्राफ का वाई इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन लेता हूं तो क्या मिलता है बेटा एफ इनवर्स एक्स मिलता है, क्या मिलता है बेटा एफ इनवर्स एक्स मिलता है। तो अगर मुझे इस क्वेश्चन में जी एक्स निकालना है तो जी एक्स किसके बराबर है एफ इनवर्स एक्स, इसको पकड़ लो, बात को पकड़ो, सीधा नहीं बोला उसने, घुमा के बोला है कि अगर एफ एक्स एक फंक्शन है और जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका ग्राफ एफ एक्स के ग्राफ का लाइन वाई इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन है, यानी एफ इनवर्स एक्स निकालना है, तो बेटा सजेस्ट कर एफ इनवर्स एक्स निकालना है, एफ इनवर्स एक्स निकालना है तो क्या करेंगे इसको वाई मान लेंगे, तो यहां से x प्लस वन बराबर क्या आएगा प्लस माइनस रूट वाई, x बराबर क्या आएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट वाई, आ गया क्लियर। और साफ साफ लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वन है, यानी x माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, माइनस वन से छोटा नहीं होना चाहिए, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस वन प्लस ले सकता हूँ, माइनस वन माइनस नहीं ले सकता, तो चूंकि x जो है माइनस वन से बड़ा है इसलिए हम क्या करेंगे नेग्लेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन को, बताइए आंसर कितना होगा, आंसर आएगा माइनस वन प्लस रूट एक्स, यही हमारा जी एक्स है, तो आगे यही हमारा जी एक्स है, ठीक है। अच्छा लास्ट हमारे पास देखिए इनवर्स में लास्ट क्वेश्चन ये है कि एफ आर से आर है फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल का क्या मतलब है, कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल है इसका मतलब है फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, इन्वर्टेबल मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, फंक्शन बाइजेक्टिव का मतलब वन वन ऑन टू होना चाहिए, वन वन ऑन टू होना चाहिए। तो आपने देखा इसका डोमेन आर है और हाईएस्ट पावर ऑड है, आपने देखा डोमेन आर है और हाईएस्ट पावर ऑड है, तो बिना सोचे समझे आपने इसकी रेंज को आर लिख दिया, मैंने बोला था डोमेन आर है और हाईएस्ट पावर ऑड है तो रेंज क्या होगी आर होगी, तो फंक्शन ऑन टू तो है, ऑन टू की लड़ाई तो खत्म हो गई, देखते ही डोमेन आर है और हाईएस्ट पावर ऑड है तो फंक्शन की रेंज आर है, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है, अब लड़ाई किसकी है वन वन की, किसकी वन वन की, चलिए वन वन की शर्त क्या होती है एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए या लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अब ये हमेशा होना चाहिए, हमेशा डोमेन के अंदर हमेशा होना चाहिए, हमेशा, ठीक है। तो ये जो चीज है ये हमेशा तो नेगेटिव नहीं हो सकती, ये चीज हमेशा नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा नेगेटिव होने के लिए इसका ए नेगेटिव डी नेगेटिव होना चाहिए था, क्लियर। तो ये चीज का ए पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको ये पॉजिटिव है, समझ आ गया। तो ये चीज हमेशा नेगेटिव तो नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा नेगेटिव होने के लिए ए नेगेटिव डी नेगेटिव होना चाहिए, तो रिजेक्ट हो गया, यानी ये कंडीशन लगेगी, ठीक। अच्छा बताइए कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कब होगा, जब ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, तो इसका डी नेगेटिव कर दीजिए आप, कितना आएगा फोर ए प्लस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू थ्री ए, ये आ जाएगा फोर फोर उड़ा देना तो ए स्क्वायर आएगा माइनस का फाइव ए प्लस फोर आएगा, यानी आंसर आएगा वन से लेकर फोर तक, ये हमारा
आंसर है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। किसकी बात करेंगे? कंपोजिट फंक्शन की। कंपोजिट फंक्शन देखिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप मेंस के हिसाब से बात करें चाहे एडवांस के हिसाब से बात करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अच्छा कंपोजिट क्या होता है? बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस। मतलब अगर मेरे पास एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है ना, इन दोनों को अगर हम कंपोजिट यानी कंबाइंड कर ले, ठीक, तो जो फंक्शन बनता है दैट इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। अच्छा कंपोजिट फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? कंपोजिट फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं कि जैसे मान लेते हैं लेट मेरा एक फंक्शन है ए से बी, ठीक है, और दूसरा फंक्शन है जी बी से सी, है ना, समझ में आ गया। मेरा एक फंक्शन है ए से बी जा रहा है एफ, और जो जी है वो कहां से कहां जा रहा है? बी से सी जा रहा है, ठीक। तो अगर एफ ए से बी जा रहा है और जी बी से सी जा रहा है तो जी ओ एफ जो होगा, जी ओ एफ जो होगा वो जाएगा ए से लेकर सी, ठीक है। तो ये जो जी ओ एफ आपको दिख रहा है ना, दिस इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। किसका कंपोजिट फंक्शन है बेटा? एफ और जी का कंपोजिट फंक्शन है, समझ आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एफ फंक्शन ए से बी जा रहा है और जी बी सी जा रहा है तो बताइए क्या मिलेगा आपको? जी ओ एफ मिलेगा। वो कहां से कहां तक जाएगा बेटा? ए से सी तक जाएगा, एंड दिस जी ओ एफ इज नोन एज कंपोजिट फंक्शन। अच्छा कंपोजिट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? एक तो जी ओ एफ होता है और एक एफ ओ जी होता है। इसको हम बॉफ बोलते हैं, इसको हम पॉफ बोलते हैं। अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या होता है? जनरली जैसे जी ओ एफ एक्स लिखा हो, इसको लिखने का तरीका होता है बेटा जी ऑफ एफ एक्स, करेक्ट। और अगर एफ ओ जी एक्स लिखा हो तो उसको लिखने का तरीका होता है बेटा एफ ऑफ जी एक्स, समझ आ गया। तो जी ओ एफ एक्स को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा? जी ऑफ एफ एक्स लिखना होता है, और एफ ओ जी एक्स को लिखने का तरीका होता है एफ ऑफ जी एक्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी आपको गॉफ लिखा हुआ दिखे या फॉग लिखा हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा हम कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे हैं। अच्छा अब इसको समझें तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए ये जैसे मेरा फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर अपन ने एक्स लिखा, यहाँ पर एफ अपने पास है, अपन ने उस पर एफ लगाया। जब अपन एफ लगाएंगे तो बाहर कितना आएगा बेटा? एफ एक्स आएगा, ठीक है ना। जब एक्स पर मैं एफ लगाऊंगा तो बाहर एफ एक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? जी, क्या है? जी है। तो बाहर कितना आएगा बेटा? बाहर आएगा जी एफ एक्स, समझ आ गया। तो अगर आपने x को f पे लगाया तो f x मिला, f को g पे लगाया तो आपको g f x मिला, ठीक है। अच्छा f कहाँ से कहाँ तक जा रहा था बेटा? a से b जा रहा था। अच्छा g कहाँ से कहाँ तक जा रहा था बेटा? b से c जा रहा था, ठीक है, समझ आ गया। तो g o f कहाँ से कहाँ तक जाएगा? g o f हमारा जो जाएगा वो जाएगा बेटा a से लेकर c तक, समझ आ गया। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं मान के चलता हूँ कि बच्चे को पता होनी चाहिए कि क्या हर केस में मुझे जी ओ एफ मिलेगा, क्या हर केस में मुझे एफ ओ जी मिलेगा? तो बेटा जी ओ एफ केवल और केवल तभी एग्जिस्ट करेगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जी ओ एफ तभी मिलेगा जब एफ एक्स की रेंज, इसकी रेंज जो इसका आउटपुट आने वाला है वो इसके डोमेन का, इसके सबसेट हो, ठीक है। जो इस फंक्शन से मेरा आउटपुट आएगा वो आउटपुट जो आने वाला है वो आउटपुट यानी जो रेंज आने वाली है एफ की, वो रेंज इस फंक्शन के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए, क्लियर। तो जी ओ एफ एक्स ऑनली तभी एग्जिस्ट करेगा जब बेटा, जब मैंने क्या बोला बाहर, मतलब जो फंक्शन देखना ना एफ, इसकी जो रेंज है वो उसका क्या होना चाहिए? सबसेट होनी चाहिए, पक्का। अच्छा एफ ओ जी के लिए क्या होगा बेटा? एफ ओ जी के लिए उसी तरह से सोचो, कैसे सोचोगे कि एफ ओ जी एग्जिस्ट कब करेगा? जब इसकी रेंज इसके डोमेन का सबसेट हो, ठीक। अगर आपको समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जी ओ एफ है, इसको हम क्या लिख रहे हैं बेटा? जी ओ एफ एक्स लिख रहे हैं, अंदर वाले की रेंज, अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए तभी वो एग्जिस्ट करेगा, ध्यान रखें, ठीक है। आज मैंने एफ ओ जी लिखा, लिखा एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो कंडीशन क्या हुई बेटा? अंदर वाले की रेंज बाहर वाले के डोमेन का क्या होनी चाहिए? सबसेट होनी चाहिए। तो दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस। जब भी आप फॉग या गॉफ का क्वेश्चन करें फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कर लीजिए कि एग्जिस्टेंस है कि नहीं। अगर एग्जिस्टेंस है तो आगे बढ़िया। जैसे मान लो ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, ये ऑप्शन में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं कि एग्जिस्ट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट वाला वर्ड लिखा हुआ ही नहीं। तो अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी नहीं है, कहीं भी डज नॉट एग्जिस्ट नहीं लिखा हुआ, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप एफ ओ जी और फॉग और गॉफ निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा निकालो। लेकिन अगर कहीं भी नन ऑफ दीज आ रहा है या आपको लग रहा है डज नॉट एग्जिस्ट नाम का वर्ड लिखा हुआ है, तो पहले आप चेक करिए कि क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्या हमारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो डेफिनेटली हम पहले उसे चेक करेंगे कि क्राइटेरिया अगर मेरा फुलफिल हो रहा है तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं हो रहा तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एग्जिस्टेंस कब करेगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा एक चीज और, एक छोटी सी बात, बिल्कुल छोटी सी बात, आप ध्यान रखिए। जनरली मैंने ऑलवेज नहीं लिखा है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जनरली। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, सामान्यतः का मतलब होता है जैसा हम बोलते हैं ना कि यार जनरली इंडिया में बारिश कम होती है, ये थोड़ा ना कि बारिश होती नहीं है पर जनरली कम होती है, ठीक है। जनरली का मतलब मैक्सिमम केसेस में गॉफ और फॉग बराबर नहीं आएंगे, कुछ केसेस में बराबर आ सकते हैं पर मैक्सिमम केसेस में ये बराबर नहीं होते, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, जनरली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करते, राइट। अच्छा अब बात आती है क्वेश्चंस कैसे करेंगे, है ना भाई। हमने एक
बेसिक आइडिया देख लिया कि भाई मुझे गॉफ और फॉग एग्जिस्ट कब करेगा ये मुझे पता होना चाहिए। अब बात आता है क्वेश्चन कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट तो वही कि क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए हम बात करते हैं आगे, है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात देखिए, सबसे पहले जैसे आपको निकालना चाहिए फॉग और गॉफ कैसे निकालेंगे, ठीक। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फिक्स अप्रोच है, आपको फिक्स अप्रोच को फॉलो करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो फॉग पूछे चाहे गॉफ पूछे, अगर आपको पता चल गया कि एग्जिस्ट कर रहा है, फिर किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉग और गॉफ के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है अगर आपको पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, राइट, पहले वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, है ना। तो आप आराम से देख सकते हैं कि भाई अगर अपन को फॉग निकालना है तो डेफिनेटली अगर देखें, अगर आप इसकी रेंज निकालेंगे और वो सब देखेंगे तो आपको दिख रहा है ये आर से आर जा रहा है, ये भी आर से आर जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। तो हम फॉग भी निकाल सकते हैं, हम गॉफ भी निकाल सकते हैं, हम एफ ओ एफ भी निकाल सकते हैं, हम जी ओ जी भी निकाल सकते हैं, राइट। तो अब देखना मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से देखना, ठीक। अगर आपको एफ ओ जी निकालना है, अगर आपको एफ ओ जी निकालना है तो पहले एफ एक्स देखना, सोचना मत, एफ ओ जी निकालना है एफ एक्स निकलो, लिख लिया, एफ ओ जी निकालना है तो एफ एक्स निकलो और इस एक्स को हटाकर जी एक्स लिख दो, हो गया। अगर आपको एफ ओ जी निकालना है तो बेटा एफ एक्स लिख और इस एक्स को हटाकर जी एक्स लिख दे, लिया। और अगर इस एक्स को हटाकर जी एक्स लिखेगा तो इस एक्स को हटाकर भी जी एक्स लिखेगा, यानी कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। आगे सर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरी बात को दोबारा सुन, अगर एफ ओ जी निकालना है तो एफ एक्स लिख लिया, पक्का लिख लिया, एक्स को हटाकर जी एक्स, तो इस एक्स को हटाकर भी जी एक्स, खत्म, सीधा आंसर आ गया। और अगर तुझे जी एफ निकालना है, क्या निकालना है, जी एफ निकालना है तो पहले जी एक्स लिख, क्या लिखेगा पहले जी एक्स, ठीक है, जी एफ निकालना है तो क्या लिखेगा जी एक्स, चलना आगे, एफ ओ जी निकालना हो तो पहले एफ एक्स लिखो, एक्स को हटाकर जी एक्स, खत्म, जी एफ निकालना है तो पहले जी एक्स लिखो, लिख लिया, और एक्स को हटाकर एफ एक्स, खत्म। तो यहाँ भी एक्स को हटाकर एफ एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स को हटाकर एफ एक्स लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर आएगा, बस। अब ये फंडा आपको सारे क्वेश्चन में लगाना है, फंडा क्या लगाना है, अगर एफ ओ जी निकालना है तो एफ एक्स लिख, एक्स को हटाकर जी एक्स, खत्म, जी एफ एक्स निकालना है तो जी एक्स लिख, एक्स को हटाकर एफ एक्स, खत्म। तो आपको दिख रहा होगा दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चा बोले कि सर एफ ओ एफ और जी ओ एफ, वो तो निकाल लेंगे ना अपन, एफ ओ एफ और जी ओ एफ निकालने, जी ओ जी निकालने में क्या दिक्कत आ रही, उसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना है। अगर आपको एफ ओ एफ और जी ओ जी निकालना है उसमें कोई तकलीफ थोड़ी ना है, भाई फंडा तो वही रहेगा, भाई फंडा वही रहेगा, फंडा चेंज नहीं हो रहा। अगर तुझे एफ ओ एफ निकालना है, एफ एक्स लिख लिया, लिख लिया, एक्स को हटाकर एफ एक्स, एक्स को हटाकर एफ एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स को हटाकर एफ एक्स लिखेंगे, एक्स को हटाकर एफ एक्स, तो एक्स को हटाकर एफ एक्स लिखेंगे, पक्का लिख लेंगे। और एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की पावर ऑफ 4, आगे समझ में, ठीक है। एफ एक्स लिख, एक्स को हटाकर एफ एक्स, एक्स को हटाकर एफ एक्स, खत्म, आंसर आ गया। अच्छा, अगर देखो जी ओ जी निकालना है, जी एक्स लिख, एक्स को हटाकर जी एक्स, तो यहाँ पर भी इस एक्स को हटाकर जी एक्स, और लास्ट में जी एक्स की वैल्यू रख दे, काम खत्म। जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस एक्स, ये आपका आंसर, समझ में आ गया। ये तरीका है एफ ओ एफ निकालने का, जी ओ जी निकालने का, मतलब कोई भी आप निकाल सकते हो, उन चारों में से कुछ भी पूछे आप कैलकुलेट कर सकते हो। तरीका आपको आना चाहिए, अप्रोच आनी चाहिए, अप्रोच क्या है, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक, अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाए। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो उसने साफ बोला है क्वेश्चन में कि एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा बोल रहा है पहले से। अगर एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको बताना है एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा। तो सीधी सी बात है, मैंने क्या बोला था, अगर एफ ऑफ जी एक्स निकालना हो तो पहले एफ एक्स लिखो, एफ ऑफ जी एक्स निकालना हो तो पहले एफ एक्स लिखो, लिख लिया, एफ ऑफ जी एक्स निकालना हो तो एफ एक्स लिखो और इस एक्स को हटाकर जी एक्स लिख दो, ठीक है, इस एक्स को हटाकर जी एक्स, तो इस एक्स को हटाकर भी क्या लिखेंगे, जी एक्स लिख देंगे, क्या जी एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ, यस बिल्कुल रख सकता हूँ। तो जी एक्स की जगह रखेंगे 3x plus x cube upon 1 plus 3x square, और यहाँ पर ठीक है ना, ये आ गया, और नीचे रखेंगे तो 1 minus 3x plus x cube upon 1 plus 3x square, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, श्योर है, ठीक है। फंडामेंटल ध्यान रखो, फंडामेंटल क्या है, फंडामेंटल अगर आपको समझ में आ गया काम करता हूँ, क्लियर। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद आप लोग एलसीएम लोग,
एलसीएम लोगे तो ये चीज लग जाएगी, है ना। जब एलसीएम लोगे तो ये चीज लग जाएगी तो पता है क्या बनेगी, ये 1+x³ बनेगी, ठीक है। अच्छा जब आप एलसीएम लोगे तो ये चीज लग जाएगी, जब ये चीज लग जाएगी तो पता है क्या बनेगी, ये बनेगी 1-x³ बनेगी। समझ आ गया, श्योर है, क्लियर ही आ जाएगा। यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, इसमें से क्या करेंगे बेटा, इसको लिख सकते हैं ln, और ये बन जाएगा 1+x/(1-x)³, 3 बाहर आ जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा बेटा 3fx, आपका आंसर आएगा 3fx, करेक्ट है। तो इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप डायरेक्ट चलते जाइए, आपका आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। अच्छा इस क्वेश्चन में IIT में क्वेश्चन है, IIT में क्वेश्चन है, उन्होंने ये पूछा था कि भी GFX निकालो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, है ना। अच्छा अच्छा GFX अगर हम निकालें, है ना, तो सबसे पहले FX को देखो आप, FX क्या है भाई, आपका जो FX है वो है 1+fractional part of x, FX है 1+fractional part of x, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू 1 से 2 आ गई, ठीक है। हमने बोला था कि GFX एग्जिस्ट तब करता है जब FX की रेंज, fx की रेंज g के डोमेन का सबसेट हो, तो है ना, क्या दिक्कत है, fx की रेंज कितनी है भाई, fx की रेंज तो 1, 2 है, और gx का डोमेन तो r है भाई, ठीक है, सबसेट है, करेक्ट है। अच्छा चलो अब बात करते हैं कि करें क्या, निकालें कैसे gfx। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मेरा फंडा लगाओ आप, gfx निकालना है तो gx लिख लो, gfx निकालना है तो gx लिख लो, और x को हटाकर fx, इस x को हटाकर fx, तो जहां जहां दुनिया में x आ रहा है वहां पर आप fx लिखते जाओ, जहां जहां दुनिया में fx आ रहा है वहां पर fx लिखते जाओ, समझ आ गया, जहां जहां दुनिया में x आ रहा है बट उसको डाले fx लिखते जाओ, आ गया यहां तक। अच्छा यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, आगे समझते हैं, यहां तक आने के बाद हम क्या करेंगे, आपको देखना है कि fx पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है, आपको दिख रहा है कि आपका जो fx है उसकी वैल्यू 1 से 2 है, ठीक है। fx की वैल्यू अगर 1 से 2 है, इसका मतलब fx ना तो नेगेटिव है ना ही fx 0 है, क्योंकि fx की वैल्यू 1 से 2 है, इसका मतलब fx ना तो नेगेटिव है ना ही 0 है, इसका मतलब fx कैसा है, पॉजिटिव है, और अगर fx पॉजिटिव है तो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा ओनली 1, कितना आंसर आएगा बेटा, ओनली 1, तो इसका आंसर केवल और केवल 1 आएगा, ओनली 1, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन ऐसा है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है, डोमेन और रेंज निकालना है, एफ ओ जी का निकालना है, जी एफ का निकालना है, एफ ओ एफ का निकालना है, जी ओ जी का निकालना है, तो आप समझना, मैं जैसे समझाने की कोशिश करूंगा आपको, आराम से समझिएगा चीजों को, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी ओ एफ की, आराम से समझिए, आराम से, तो जी ओ एफ का मतलब पहले तो एफ एक्स आएगा, तो जी ओ एफ एक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, तो पहले एफ एक्स आएगा, तो एफ एक्स कितना है बेटा, रूट एक्स, ठीक है। अच्छा आगे चलेंगे तो आगे जी एक्स आएगा, जी एक्स कितना है बेटा, √2-x, चीजों को अच्छे से समझना, अच्छे से मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा fx है और उसके बाद मेरा ये gx है, this is what, this is my fx and this is what, this is my gx, correct है, अब समझना, ठीक है। अच्छा fx equals to under root x है, दिख रहा होगा fx equals to under root x, तो हम सब जानते हैं कि अगर under root x है तो under root x के अंदर जो x होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, तो under root x हमारे पास लिखा हुआ है, तो under root x के अंदर x कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, x must be greater than equals to 0, तो ये बात तो तय है कि इसके अंदर जो मैं x दे पाऊंगा वो 0 से इनफिनिटी दे पाऊंगा, क्या मेरी बात समझना अभी, बिल्कुल ठीक है सर, तो अरे यार अंडर रूट x है तो अंडर रूट x का मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, यानी x 0 से इनफिनिटी दे पाऊंगा, ठीक। अच्छा जब मैं इसमें 0 से इनफिनिटी दूंगा तो बाहर कितना आएगा, बाहर भी बेटा 0 से इनफिनिटी आएगा, ठीक है ना, बाहर भी कितना आएगा, 0 से इनफिनिटी आएगा, ठीक है, तो आप दे भी 0 से इनफिनिटी दे सकते हैं और बाहर भी 0 से इनफिनिटी आएगा, आ गया, अब इधर आ जाइए। अच्छा इधर आ जाइए, इसका डोमेन निकालते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, 2-x में अंडर रूट में है, तो 2-x > 2 यानी 2 > x, क्लियर, तो इसका डोमेन कितना आ गया बेटा, इसका डोमेन आ गया x > 2, आ गया x > 2 आ गया, ठीक, तो इसका डोमेन आया x > 2 और इसकी रेंज आई 0 से इनफिनिटी, हमने क्या बोला था, क्या बोला था हमने कि डोमेन का सबसेट होना चाहिए, करेक्ट है, ठीक है, तो 0 से इनफिनिटी ये है और इसमें 2 > 2, तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, कॉमन, दोनों का कॉमन पार्ट हो गया बेटा 0 से और 2। अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, इसके आगे बढ़ने का फायदा तभी है, आप पहले ये समझो भैया कि रूट एक्स है तो उसका डोमेन 0 से इनफिनिटी होगा, 0 से इनफिनिटी जब इसमें डालूंगा तो आउटपुट भी 0 से इनफिनिटी होगा, इसका डोमेन कितना है < 2 है, इसकी रेंज कितनी है 0 से इनफिनिटी, दोनों का कॉमन क्या है 0 से 2। अब आप ये सोचो कि ये चीज 0 से 2 कब देगी, ये चीज 0 से 2 कब देगी, ये चीज 0 से 2 कब देगी, जब x 0 से 4 होगा,
समझ आ गया, ये चीज जीरो से दो तब देगी बेटा, ये चीज जीरो से दो तब देगी जब एक्स जीरो से चार होगा, ठीक है समझ आ गया। तो ये मेरा डोमेन आ गया, क्या आ गया मेरा डोमेन आ गया। अच्छा अब बात आती है रेंज की, आइए रेंज निकाल लेते हैं इसकी, है ना, मतलब पूरे फंक्शन की रेंज निकाल लेते हैं जीरो एफ एक्स की। तो हमारा डोमेन आ चुका है जीरो से चार, अब क्या होगा ये चीज दे रही है जीरो से दो, इसको उठा के डाल दो, है ना, तो जीरो से दो को उठा के डाल दो, डाल दें तो जीरो से दो को उठा के डालेंगे तो टू माइनस जीरो तो रूट टू आएगा, और टू पर क्या आएगा टू माइनस टू जीरो आएगा, तो जीरो से रूट टू आएगा। समझ आ गया, मैं एक बार और समझाऊंगा, अगर किसी बच्चे को फिर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपने इसका डोमेन निकाला, इसका डोमेन जीरो से इन्फिनिटी, आपने इसकी रेंज निकाली जीरो से इन्फिनिटी है, आपने इसका डोमेन निकाला लेस देन इक्वल टू टू है, तो दोनों का कॉमन आ गया जीरो से टू, क्लियर। तो मुझे ये सोचना है सबसे पहले कि जीरो से टू मुझे कब मिलेगा, तो जीरो से टू मुझे तब मिलेगा जब मैं यहाँ पर एक्स कितना दूंगा जीरो से चार दूंगा। अगर मैं एक्स जीरो से चार दूंगा तो मुझे जीरो से दो मिलेगा, इस जीरो से दो को जब मैं इसमें डालूंगा तो मुझे जीरो से रूट टू मिलेगा, क्लियर है। तो इसका मतलब डोमेन बताइए क्या होगा, इसका डोमेन आया बेटा जीरो से चार, और इसकी जो रेंज आएगी बेटा वो कितनी आएगी जीरो से रूट टू। चलिए ठीक, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो जी एफ निकाल के देख लें, मैं 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, 30 सेकंड के अंदर आप मुझे जी एफ निकाल कर दिखाएंगे, करिए स्टार्ट। जी एफ तो मैंने निकाल ही दिया, सॉरी मैंने एफ ओ जी एफ निकाला, एफ ओ जी निकालना आप लोगों को, क्लियर। जी में पहले इधर क्या आएगा बेटा, इधर जी आएगा, इधर जी कौन है बेटा, जी अपने पास आएगा रूट टू माइनस एक्स, करेक्ट है। चलिए इधर कौन आएगा, इधर आएगा मेरे पास एफ एक्स, एफ एक्स कौन है अंडर रूट एक्स, करेक्ट। फटाफट करते जाओ ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ, देख ले, स्टार्ट करते हैं। इसका डोमेन निकाला आपने, इसका डोमेन कितना आएगा, इसका डोमेन आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू टू, आ गया इसका डोमेन आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू टू, ठीक है। इसकी रेंज कितनी आएगी, इसकी रेंज आएगी जीरो से इन्फिनिटी, समझ आ गया, क्लियर है। उसकी रेंज कितनी आएगी, वे टू जीरो से इन्फिनिटी आएगी। अगर मैं एक्स लेस देन इक्वल टू डालूंगा तो टू पे इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, ठीक है, और नेगेटिव डालता जाऊंगा तो ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता जाएगा, राइट है, तो आ जाएगा। अच्छा इसका डोमेन कितना है, इसका डोमेन बेटा, इसका डोमेन जीरो से इन्फिनिटी है, तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, दोनों का कॉमन आ गया बेटा जीरो से इन्फिनिटी आया। अब आप सोचो कि दोनों का कॉमन जीरो से इन्फिनिटी है, जीरो से इन्फिनिटी कब मिलेगा, जीरो से इन्फिनिटी कब मिलेगा जब मैं इसमें जीरो लेस देन इक्वल टू डालूंगा, तो ये चीज मुझे जीरो से इन्फिनिटी कब देगी, ये चीज मुझे जीरो से इन्फिनिटी कब देगी जब एक्स लेस देन इक्वल टू डालूंगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर दो तक डालूंगा, समझ आ गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा जीरो से इन्फिनिटी इसमें डालो, अगर जीरो से इन्फिनिटी इसमें डालूंगा तो क्या देगा, जीरो से इन्फिनिटी ही देगा। तो बताइए डोमेन कितना है, माइनस इन्फिनिटी से दो, और रेंज कितना है बेटा, जीरो से इन्फिनिटी है, करेक्ट है। चलिए एक बार ट्राई कर लीजिए फटाफट, अगर मुझे जी ओ जी निकालना है, क्या निकालना है, जी ओ जी, है ना, तो जी ओ जी निकालना है तो क्या करेंगे, मैं सीधा सा फंडा इसमें अंडर रूट टू माइनस एक्स बनाओ, यहाँ पर ये भी जी एक्स है और आगे भी मुझे जी एक्स पर ही जाना है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करनी है बंदू। इसका डोमेन लिख लीजिए, इसका डोमेन क्या आएगा, एक्स लेस देन इक्वल टू टू आ गया, इनपुट आउटपुट कितना आएगा जीरो से इन्फिनिटी, इसका डोमेन कितना आएगा एक्स लेस देन इक्वल टू टू, दोनों का कॉमन क्या होगा जीरो से टू, आ गया ठीक है। आपने इसका डोमेन निकाला लेस देन इक्वल टू टू, आउटपुट आएगा जीरो से इन्फिनिटी, इसका जो डोमेन आ रहा है वो आ रहा है लेस देन इक्वल टू टू, दोनों का कॉमन आ गया जीरो से टू। अब आप सोचो ये जीरो से टू कब आएगा, ये जीरो से टू जब आएगा फिर टू कब आएगा, जब एक्स माइनस टू लूंगा, ये टू कब आएगा जब एक्स माइनस टू लूंगा, है ना, करना है, और जीरो कब लूंगा जब एक्स टू आएगा, ठीक है। तो जब एक्स के लिए टू है तो जीरो है, माइनस टू पे फोर मतलब टू हो जाएगा, राइट है, तो माइनस टू से आ गया। अच्छा माइनस टू से टू डालेंगे इसमें तो ये जीरो से टू देगा, जीरो से टू इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, जब आप जीरो डालेंगे तो रूट टू और टू डालेंगे तो जीरो, यानी जीरो से रूट टू, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया बेटा और ये इसका रेंज हो गया। तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन आप खुद करें, और लास्ट वाले क्वेश्चन का जो भी आंसर है मैं बता देता हूँ क्या आएगा, तब कर लीजिएगा, है ना। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ मैं आपको क्या आएगा, इसका जो डोमेन आएगा एफ ओ एफ का वो जीरो से इन्फिनिटी आएगा, इसका डोमेन जीरो से इन्फिनिटी आएगा बेटा, और जो रेंज आएगा वो भी जीरो से इन्फिनिटी आएगा, जो मेरे पास लिखा हुआ है उसको आप चेक कर लीजिएगा, मेरे पास जो लिखा हुआ है मैंने लिख दिया आपको, ठीक है ठीक। तो उसका आंसर आया माइनस टू से टू, इसकी रेंज आई जीरो से रूट टू, बाकी तीनों मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाई दी। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेगा किस तरह से हम फॉग और गॉफ की रेंज और डोमेन निकाल सकते हैं। चलिए आइए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसमें लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि एफ एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है, जी एक्स ध्यान रखना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है,
उसने बोला है कि एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट करता है तो रेंज ऑफ जी एक्स बताइए। अभी क्वेश्चन अच्छा तो है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए, बच्चे को लगता है यार जी एक्स की रेंज पूछ रही सर। अरे जी एक्स तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की तो हमें रेंज हमेशा याद रहती है। तो बेटा क्या बोला था, एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट कब करता है? एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट तब करता है जब जी की रेंज एफ के डोमेन का सबसेट हो, जी की रेंज एफ के डोमेन का सबसेट हो। तो सबसे पहले बेटा तुझे एफ का डोमेन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एफ का डोमेन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें एफ का डोमेन देखना पड़ेगा भाई। एफ का डोमेन निकालने की तीन शर्तें ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन में करा चुका हूं। पहला बेस देखेंगे, बेस कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा बेस कैसा होना चाहिए? वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से अपने पास आएगा x greater than 0, और यहां से अपने पास आएगा x is not equals to 10 to the power minus 1। ये दो बातें तो आई गई। तीसरी कंडीशन आती है कि log के साथ ही कुछ भी हो दैट शुड बी पॉजिटिव, ठीक। log के साथ ही कुछ भी हो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। समझ आ गया भाई? log के साथ ये चीज कुछ भी हो कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चा एक शर्त लगाना भूल जाता है, क्या? अरे भाई इस log को भी तो देखो, आपने सारे काम तो उस लॉग के लिए करे हैं, इस लॉग को भी तो देखो, इस लॉग के लिए एक्स कैसा है? पॉजिटिव। ये एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। भाई लॉग ही डिफाइंड नहीं होगा तो एक्स कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। आगे अब आगे बढ़ जाते हैं। अब चूंकि एक्स पॉजिटिव है, चूंकि एक्स पॉजिटिव है तो टर्म नेगेटिव हो गई, नेगेटिव इंटू जीरो करेंगे जीरो होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो साइन चेंज कर दीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा, साइन चेंज कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास माइनस वन आएगा, बट टू उधर जाएगा, माइनस टू डिवाइड बाई टू तो आ जाएगा। तो यहाँ से एक्स लेस देन आ रहा है 10 टू द पावर माइनस वन, यानी 1/10, ठीक। तो फाइनल डोमेन क्या हुआ? फाइनल डोमेन हुआ बेटा ग्रेटर देन जीरो, जीरो से तो बड़ा लेना है, 1/10 से छोटा लेना है, और आंसर में आप 10 की पावर माइनस टू नहीं ले सकते। तो डोमेन कितना आया? मेरा डोमेन आया बेटा एक्स आया जीरो से लेकर 1/10, और आंसर में क्या नहीं ले सकते? 1/100 नहीं ले सकते। या फिर आप ऐसे बोलो, आप ऐसे बोलो जीरो से लेकर 1/100 तक, और 1/100 से लेकर और 1/10 तक, ये आपका डोमेन है। बोलने का तरीका है, जैसा आप बोलना चाहे वैसे बोले, ये आपका डोमेन है, ठीक है। अब हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट कब करेगा? एफ ऑफ जी एक्स एग्जिस्ट करेगा मतलब जब जी एक्स की रेंज एफ के डोमेन का सबसेट हो, ठीक है ना। जी एक्स की रेंज है ना, जी एक्स की रेंज कितनी है? अरे जी एक्स की रेंज तो जीरो से वन है। जी एक्स की रेंज कितनी है बेटा? जी एक्स की रेंज तो बेटा जीरो से वन है, और एफ का डोमेन तो ये आ रहा है ना। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये जीरो से वन पूरा नहीं ले सकता तू, क्योंकि आप इसका डोमेन देखो ना, इसका डोमेन है जीरो से 1/100, 1/100 से 1/10, आप इससे ज्यादा नहीं ले सकते। एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए बेटा। अगर तूने पूरा जीरो से वन ले लिया तो उसके इससे बाहर निकल जाएगा, क्लियर। तो ध्यान रखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका मतलब है एग्जिस्ट कब करेगा? एग्जिस्ट कब करेगा? जब जी एक्स की रेंज इसके डोमेन के बराबर हो जाए, जी एक्स की रेंज इस डोमेन के बराबर हो जाए। तो जी एक्स की रेंज जीरो से वन नहीं होगी, जी एक्स की रेंज ये होगी, ठीक है। तो आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि जी एक्स की जो रेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? रेंज ऑफ जी एक्स मस्ट बी 0 टू 1/100 और यूनियन 1/100 से 1/10। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको एग्जिस्टेंस के क्वेश्चन को समझना है तो इससे बड़े क्वेश्चन नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू की अगर मैं बात करूं, देखिए जी एक्स आपको पता है, एफ ऑफ जी एक्स पता है, एफ एक्स नहीं पता। ऐसा पहला क्वेश्चन आया है कि जिसमें हमें जी एक्स पता है, एफ ऑफ जी एक्स पता है, लेकिन एफ एक्स नहीं पता, तो करेंगे क्या? बहुत आसान है, लेकिन मैथड नंबर फर्स्ट आप एक काम करिए, एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स की जगह रख दीजिए 2x+1, जी एक्स की जगह रख दीजिए 2x+1। क्या मेरी बात समझ आ रही है? करेक्ट है, आप जी एक्स की जगह क्या रखेंगे? 2x+1 रख देंगे, ठीक। अब क्या करते हैं, बहुत आसान, इसको ऐसा करते हैं, 2x+1 है, इसको लिख लेते हैं 2x+1 का होल स्क्वायर प्लस 6। पक्का श्योर है? ठीक है भाई, कन्वर्ट हो जाए तो बेस्ट है ना, कन्वर्ट हो जाए तो बेस्ट है। अब आप सोचो, आप यहाँ पर ये सोचो बेटा, ये 2x+1 है और यहाँ पर भी क्या है, 2x+1 है कि नहीं है? तो बेसिकली क्या है, अरे अगर ये x है तो ये भी तो x हुआ। ऐसे बोल सकते हैं ना कि f of x किसके बराबर हो गया, x² + 6 के, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया fx = x² + 6,
ठीक। अच्छा दूसरा मेथड क्या है मुझे देखो, मेथड नंबर सेकंड एक काम और कर सकते थे आप, 2x+1 को t मान लो, ठीक। 2x+1 को क्या मान लो, t मान लेते हैं, मान लिया। तो यहाँ से x कितना आएगा, t -1/2 आ गया। तो यहाँ से f of t बराबर आएगा 4 t -1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 t -1/2 प्लस 7 आ गया। यहाँ तक, यहाँ तक आने के बाद कितना आएगा, यहाँ से आएगा t स्क्वायर, ठीक है, -2t+1, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2t -2+7। तो ये गैस के साथ, ठीक है, ये आ गया t²+6। सेम आंसर आना था, आंसर तो सेम ही आना था, ये आपका आंसर आ गया। तो एफ ऑफ टी अगर t²+6 है तो एफ ऑफ एक्स कितना होगा बेटा, x²+6। तो एक ही बात है, और जिससे जल्दी हो जाए उससे करो आप हमेशा, ठीक है ना, जिससे आपको लगे जल्दी हो रहा है फटाफट उससे कर लीजिए। अच्छा आप चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आगे सामने सिंपल सा फंडा है, ठीक है, एक्सपोर्ट आगे जी एक्स, सारी जगह दुनिया में एक्सपोर्ट आगे जी एक्स लिखो, और एक्सपोर्ट आगे एफ एक्स, एक्सपोर्ट आगे एफ एक्स लिखो, ठीक है। अब 50-50 बोल रहा है वो, 50 रख दो यहाँ पर, तो जी 50 यहाँ पर भी 50, तो जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ पर 50-50 रख देते हैं। तो एफ ऑफ जी 50 का मतलब हो गया बेटा a 50b + a + b - gf50 का मतलब क्या हो गया, gf50 का मतलब हो गया f(b50a+b) + a, ठीक है। ये किसके इक्वल हो गया बेटा, ये इक्वल टू है 28। यहाँ तक देख लीजिए कोई तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है सर, होनी तो नहीं चाहिए, यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हमें ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, ए बी मतलब प्रोडक्ट निकालना है। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, 50 ab से 50 ab गया खत्म, a² + b। अच्छा यहाँ कितना बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा b² + a = 28 आ गया। a² - b² a - ba+b, ठीक है, और ये b - a है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, a - b = 28 आ गया। तो यहाँ से अपने पास आएगा a - b और a + b - 1 = 28 आ गया। अब आप सोचो, क्वेश्चन में लिखा था कि a b और नेचुरल नंबर थे, अगर a और b नेचुरल नंबर थे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी और इसकी वैल्यू कम आएगी, है ना, दो नेचुरल नंबर्स का डिफरेंस लोगे और या उन्हीं का सम लोगे तो डेफिनेटली ये तो पक्का है कि इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू कम आएगी। तो अब हमें पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, क्या बनानी पड़ेंगी, पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब 28 कैसे आ सकता है, तो 28 आने का तरीका 1 × 28, दूसरा तरीका 2 × 48 = 14, ठीक है, तीसरा तरीका क्या होगा और कैसे आ सकता है, 4 × 7, और कोई तरीका, बस मेरे ख्याल से और कोई तरीका है नहीं, 28 और कैसे आएगा, ठीक है, ठीक है, और कोई तरीका आपके दिमाग में आ रहा, तो ये तीन तरीके अपने पास हैं, ठीक। अच्छा ध्यान रखिएगा, बड़ा वाला तो ये होगा और छोटा वाला जो होगा बेटा ये वाला होगा, ठीक है, बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, राइट है, देख लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी a - b 1 हो गया और a + b - 1 = 28 हो गया, सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। अच्छा a + b - 1 = 28 हो गया, तो a + b किसके इक्वल आ गया, 29 के, दोनों को सॉल्व करा तो a आ रहा है 15 और b आ रहा है 14, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो आपका आंसर ए बी यहाँ से अगर हम निकालें तो ए बी आएगा मेरे पास 210, एक पॉसिबिलिटी तो ये आ गई मेरी, ठीक है। अब सेकंड पॉसिबिलिटी पे चलिए, सेकंड पॉसिबिलिटी कहती है a - b तो 2 लेना है और a + b - 1 = 14 लेंगे, तो a + b कितना लेना है, 15। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से a की वैल्यू 17/2 आ रही है जो कि पॉसिबल नहीं है, समझ आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो उसको गोली मारो। अच्छा अब तीसरे केस पे आ जाइए, तीसरा केस कितना है, a - b तो 4 है और a + b - 1 = 7 है, तो a + b कितना हो गया, 8। तो यहाँ से a कितना आएगा, यहाँ से a आएगा 6 और b आएगा 2, तो यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 12 आएगी, ठीक है, यहाँ से ab की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 12 आएगी, करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो अपने पास दो आंसर्स हैं इसके बेटा, एक तो ab की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है,
ये दो आंसर हमारे पास आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। उसने बोला है कि आईटी में क्वेश्चन है एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है, जी एक्स अगर साइन एक्स है, एफ एक्स अगर एक्स स्क्वायर है और जी एक्स अगर साइन एक्स है, तो उसने पूछा है कि फाइंड एक्स सेटिस्फाइंग दिस, है ना, आपको बताना है कि वो एक्स निकालो जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके चालू करते हैं, देखिए ढंग से समझना आप कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर था, ठीक है। अच्छा मुझे यहाँ पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, एफ ओ जी ओ जी ओ एफ एक्स, तो सबसे पहले मैं करता हूँ जी एफ एक्स निकालता हूँ, सबसे पहले मैं जी एफ एक्स निकालता हूँ, तरीके से चलना तरीके से, ठीक है, जी एफ एक्स निकालता हूँ। तो जी एक्स पता है, तो एक्स को डाकर एफ एक्स, तो इस एक्स को डाकर भी एफ एक्स, इस एक्स को डाकर एफ एक्स लिखोगे तो इस एक्स को डाकर भी क्या लिखोगे, एफ एक्स। तो यहाँ पर आएगा साइन और एक्स की जगह एफ एक्स आएगा, एफ एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर, समझ आ गया। तो जी एफ एक्स निकाल लिया, अब उसके आगे फिर जी लगाना है, जी एफ एक्स के आगे फिर जी लगाना है, जी ऑफ जी एफ एक्स, जी ऑफ जी एफ एक्स, जी ऑफ जी एफ एक्स, ठीक है ना, यानी इस चीज को उठा के जी में डालना है, इस चीज को उठा किस में डालना है, जी में डालना है ना, इस चीज को उठा के जी में डालना है, तो बनेगा साइन जी एफ एक्स, क्या बनेगा, साइन जी एफ एक्स, तो ये बन जाएगा साइन जी एफ एक्स, जी एफ एक्स मतलब हो गया साइन एक्स स्क्वायर। आगे सुनने ये आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो आप बहुत बड़े वाले हो, उसके बाद ध्यान रखना, जी एफ एक्स आने के बाद कुछ नहीं करना बेटा, इस एक्स को हटाकर अगर तो जी एफ एक्स लिख देगा, तो इस एक्स को हटाकर भी तो जी एफ एक्स लिखेगा, तो साइन जी एफ एक्स नहीं आएगा क्या, साइन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ देखो क्या हुआ, जी ओ एफ एक्स निकाल लिया, जी ओ जी ओ एफ एक्स निकाल लिया, अब आपको एफ ओ चाहिए, क्या चाहिए, एफ ओ चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, इस पूरे मटेरियल को एफ में डाल दें, बाहर एफ है, इस पूरे को उठा के एफ में डाल दें, है ना, इसकी जगह डाल दें, इसकी जगह डाल दें, दोनों की जगह डाल दें, इसकी जगह डाल, ठीक है, डाल दिया, कितना जाएगा बेटा, यहाँ साइन स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन ही कहता है दोनों इक्वल है, क्वेश्चन ही कहता है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल कर दिया इक्वल, ठीक है। अब आप समझना, बेसिकली पता है क्वेश्चन क्या है, ये स्क्वायर है भाई, ऐसा है क्वेश्चन, ये स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मतलब ऐसा स्क्वायर है। अब आप सोचो मैच कर दिया, अगर एक्स स्क्वायर अगर एक्स के बराबर है तो एक्स की दो वैल्यू होंगी जीरो और वन, क्लियर, अगर x square x के बराबर है तो x की कितनी वैल्यू होगी बेटा, दो वैल्यू होगी 0 और 1, अगर x square x के बराबर है तो x की दो वैल्यू होती है 0 और 1, ठीक है। तो अगर x square x के बराबर है तो x की दो वैल्यू होगी 0 और 1, ठीक, इसकी दो वैल्यू होगी, कौन कौन सी, एक तो 0 होगी और एक इसकी वैल्यू 1 होगी, समझ आ गया। अगर x square x के बराबर है तो उसकी दो वैल्यू आती है 0 और 1, तो उसको 0 भी इक्वल कर दिया, इसको 1 के इक्वल कर दिया। अब कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस ये कहता है ये 1 कब आएगा, कॉमन सेंस कहता है ये 1 कब आएगा, जब ये पाई बाय 2 हो जाए, तो ये 1 कब आएगा, जब ये चीज पाई बाय 2 हो जाए, तो साइन एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए बेटा, पाई बाय 2 होना चाहिए, क्या दुनिया में साइन कभी 1 से ज्यादा हो सकता है, अरे पाई बाय 2 तो 1 से ज्यादा हो गया, पाई बाय 2 तो 1 से ज्यादा हो गया, अरे ये 1 कब आएगा, जब ये चीज पाई बाय 2 होगी, क्या साइन एक्स स्क्वायर कभी पाई बाय 2 हो सकता है, नहीं, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए केस रिजेक्ट हो गया। अभी जरा जाएंगे इस वाले केस में चलें, अच्छा ये चीज बराबर 0 है, अच्छा ये 0 कब हो सकता है, जब ये 0 हो जाए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। अब ये जीरो कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के आ जाए एन पाई, एक्स स्क्वायर के आ जाए एन पाई, क्योंकि जैसे ही एक्स स्क्वायर की जगह एन पाई आएगा, जीरो आए, पाई आए, टू पाई आए, थ्री पाई आए, फोर पाई आए, सबका साइन जीरो होगा, और अगर ये जीरो तो बाहर वाला भी जीरो, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए एन पाई, एक्स बराबर आना चाहिए प्लस माइनस अंडर रूट एन पाई, और एन इंटीजर है, ध्यान रखना एन की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, जीरो वन टू ऐसे ले सकते हो, तो आपका आंसर होगा ये, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना एग्जाम में आया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, जी एक्स दिख रहा है आपको, दिख रहा है सबको, अब कोई बच्चा सोचे कि मैं डायरेक्ट जी ऑफ जी एक्स निकाल लूं, ऐसी गलती तो करना ही मत, आपको दिख रहा होगा इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन है भाई, ध्यान ले लेगा अपनी, लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमने क्या करा, कैलकुलेट करना चालू किया, तो हमने कैसे करा इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये देखिए फोर है ना, तो फोर है ना, तो इसको लिख लिया टू, और टू पॉसिबल टू cos square x का स्क्वायर लिख लिया मैंने, 4 cos की पावर 4 है ना, इसको लिख ले 2 cos square x का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा माइनस का 2 cos 2x चलने दो, जैसे दुनिया चल रही थी, ठीक है, आप याद करो, मैथ्स कहती है, मैथ्स ये कहती है बेटा cos 2x जो होता है वो 2 cos square x minus 1 होता है, cos 2x होता है 2 cos square x minus 1 होता है, तो यहां पर अगर 4 कर देंगे तो यहां 2 आ जाएगा, अगर यहाँ पर x की जगह 2x कर दूँ तो यहाँ पर भी x की जगह 2x आएगा, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, 2 cos square 2x minus 1, ओके,
और x की पावर 7 एज इट इज रहेगा, उसको हमें छेड़ना नहीं। आगे समझे? श्योर है? आगे बढ़े। अब इस 2 cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे? 1 plus cos 2x का होल स्क्वायर। ओके, ये माइनस का 2 cos 2x है, ये कितना आएगा? ये आएगा माइनस का cos स्क्वायर 2x है, प्लस ये आएगा हाफ, और ये आएगा x की पावर 7, और उसकी पावर 1/7। आगे समझ में? श्योर है? यहाँ तक आगे। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद अब इसका स्क्वायर खोलिए। जब इसका स्क्वायर खोलेंगे कितना आएगा? इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 आएगा, cos स्क्वायर 2x आएगा, प्लस 2 cos 2x आएगा, और माइनस cos स्क्वायर 2x पहले से था, ठीक है, और माइनस का 2 cos 2x पहले से था, और 1/2 माइनस x की पावर 7, ठीक है, और उसकी पावर 1/7 आएगा। श्योर है? तो भैया ये चीज़ इसके साथ गई, ये चीज़ इसके साथ गई, आपके पास आ गया 3/2 माइनस x की पावर 7 और उसकी पावर 1/7, ये जी एक्स है आपका। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है भाई। आप सोचो, कोई डायरेक्ट सोचेगा कि जी ऑफ जी 100 कैसे निकालेगा यार, 100 पे हमें एंगल की वैल्यू नहीं पता, तो ऐसी गलती तो करना है मन। पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी आए सिंप्लीफाई करो, और सिंप्लीफाई करने के बाद 100% सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसी फॉर्म बनेगी। अब आपको करना है क्या? आपको जी ऑफ जी एक्स निकालना है। क्या निकालना है बेटा? आपको जी ऑफ जी एक्स निकालना है। तो ठीक है, एक्स की जगह क्या रखोगे? एक्स की जगह जी एक्स रखोगे। यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या रखोगे? जी एक्स रखोगे। कितना बचा बेटा? एक्स। तो आप सोचो, आपके पास जी ऑफ जी एक्स एक्स आ रहा है, तो आप बताओ g ऑफ g 100 क्या आएगा? 100 ही आएगा ना बेटा, ये आपका आंसर है। समझ में आ गया? इस तरह से करना है ऐसे क्वेश्चंस को डील। अच्छा, अब हम चलते हैं थर्ड वाले पार्ट पर। देखिए, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि fx अगर ये है, x रैशनल है तो x लेना है, x इरेशनल है तो 1 - x लेना है। साफ-साफ लिखा हुआ है। आपसे पूछा है f(fx) क्या होगा? क्या पूछा है? f(fx) क्या होगा? ठीक है, तो जहां-जहां दुनिया में x आ रहा है उसको हटाकर fx लिख दो। क्वेश्चन ही कह रहा है बेटा, जब fx रैशनल है, fx रैशनल कब है भाई? fx रैशनल कब है? जब x रैशनल है भाई, x रैशनल है तो उसकी वैल्यू x है। जब x रैशनल है तो डेफिनेटली नंबर भी रैशनल ही आएगा। समझ में आ रहा है? तो x रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा डेफिनेटली, और जब x इरैशनल है तो ये नंबर भी इरैशनल होगा। तो fx रैशनल कब है? fx रैशनल कब है? इस वाले केस में। fx रैशनल कब है? जब ये वाला केस लेंगे, ठीक है ना, ये वाला केस लेंगे। तो fx को हटाकर क्या लिखेंगे? x। ओके, और fx इरैशनल कब है? fx बेटा इरैशनल कब है? जब ये वाला केस लेंगे, ठीक है, ये वाला केस लेंगे। इस वाले केस में fx रैशनल है तो fx की जगह क्या लिखेंगे? 1 - x। तो भैया कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी x आएगा और वहां पर भी x आएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। दिस इज व्हाट? दिस इज बेटा f(fx)। ये आपका आंसर है। चौथे नंबर पर आ जाइए। अगर मेरा fx 1/(1 - x) है, अगर मेरा fx 1/(1 - x) है, ठीक है, अगर मेरा fx 1/(1 - x) है, तो आपने x पर डाकर fx लिखा, इसका डोमेन लिखिए ना, भी x1 भी हो सकता है। अच्छा, अब आपने x पर डाकर fx लिखा, तो आप इस x पर डाकर भी fx लिखोगे, तो ये आएगा 1 - 1/(1 - x), तो ये आएगा x - 1/(x). आगे, ठीक है, अब आपको ट्रिपल x निकालना है, ठीक है, तो इस x पर डाकर वापस fx लिख दो, अच्छा क्या है? बच्चे से जब पूछा जाता है बेटा इसका डोमेन बताओ, बच्चे से जब पूछा गया बेटा इसका डोमेन बताओ, तो बच्चे ने क्या करा? ट्रिपल एफ एक्स दिखा और डायरेक्ट बोल दिया सर ये तो एक्स आ रहा है,
और चूंकि XRS का डोमेन आ रहा है, बच्चा ऐसा बोलता है, ऐसा बोलना ही अपराध है बेटा, ऐसा बोलना ही नहीं है। अरे बेटा ये X तो आ रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया था? यहाँ से शुरू किया था तूने, सीधा यहाँ नहीं पहुंचा, तूने स्टार्ट यहाँ से किया था। क्या ये फंक्शन स्टार्टिंग में ही वन पर डिपेंड है? नहीं, स्टार्टिंग में ही मैं वन नहीं दे सकता इनपुट में। जब मैं शुरू में ही वन नहीं दे सकता तो मैं आगे वन कैसे दूंगा? फिर हम डबल एफ पर गए, डबल एफ पर हमने देखा एक्स जीरो नहीं हो सकता। क्यों? अरे एक्स जीरो होगा तो डिफाइंड नहीं होगा, समझ आ गया? तो एफ एक्स में एक्स वन नहीं आ सकता, डबल एफ में जीरो नहीं आ सकता, फिर हम ट्रिपल एफ पर गए। इसका मतलब मेरे डोमेन में दो पॉइंट नहीं आएंगे, कौन कौन से? जीरो और वन, राइट है? तो बताइए डोमेन कितना आएगा? इसका डोमेन आएगा आर माइनस जीरो कॉमा वन, इसका डोमेन आएगा आर माइनस जीरो कॉमा वन। ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका डोमेन आएगा आर माइनस जीरो कॉमा वन, ठीक है? अच्छा एक चीज और यहाँ पर भूल देता हूँ मैं आपको, इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँ, इसी वाले में फोर्थ में अगर मैं बी पार्ट ऐड करना चाहूँ, एफ एफ टू द पावर एन एक्स मीन्स एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ कितने टाइम्स? एन टाइम्स, ठीक है? अगर एफ की पावर एन एक्स का मतलब है एफ ओ एफ ओ एन टाइम्स, तो आपको बताना है देन फाइंड F 2020x, 2021x, है ना? ये आपको बताने, ये क्वेश्चन आ गया, आ गया? अब क्वेश्चन का मतलब समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन अच्छे से होगा नहीं, है ना? उसने बोला है कि F की पावर nx का मतलब है F of F of F of कितनी बार आ रहा है बेटा? n बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है। जब हमने तीन बार F निकाला, हमने कितनी बार निकाला? तीन बार निकाला तो एक्स आया, आए कि नहीं आया? तो जब हमने तीन बार निकाला है तो एक्स आया। अब आप समझना एफ एक्स आपका तो है वन अपॉन वन माइनस एक्स, आपने इसका डबल एफ निकाल लिया तो ये आ गया एक्स माइनस वन बाय एक्स, आपने ट्रिपल एफ निकाला तो वापस एक्स आया। यानी हर तीन के बाद साइकिल रिपीट होगी, हर तीन के मल्टीपल में एक्स आता जाएगा, हर तीन के मल्टीपल में एक्स आता जाएगा, हर तीन के मल्टीपल में एक्स आता जाएगा। तो तीन के मल्टीपल में एक्स आता जाएगा तो 2020 को तीन से डिवाइड कर लो, जब 2020 को आप तीन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? सिक्स और टू सेवन और थ्री, ये वन बचेगा, कितना बचेगा? वन बच जाएगा, सन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसका अगर मैं आपसे पूछूं 2019x कितना आएगा, उसका आंसर x आता, क्योंकि ये पूरा का पूरा तीन से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा तीन से डिविजिबल है। 2020 का मतलब समझे आप एक f और बढ़ गए, पर 2020 का मतलब एक f बढ़ गया यानी एफ एक्स आ गया, तो आंसर कितना आएगा ये, ठीक है? अगर आप इसमें 2021 पूछोगे इसका मतलब दो एफ पड़ गए, कितने एफ पड़ गए बेटा? दो, कितना आंसर आएगा? x माइनस वन बाय एक्स आएगा, आगे समझे? तो इस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंपोजिट फंक्शन था, ठीक। अच्छा अब ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है, और इसमें एक चीज मैं लिख देता हूँ, एक बार बता देता हूँ आपको, बाकी ये यहाँ पर खत्म हो रहा है बेसिकली, है ना? चलिए पहले वाले पे चलते हैं, फर्स्ट वाले पे आ जाइए। देखिए इसमें आपने पूछा गया है, आपने एक मुझे दे रखा है क्वेश्चन दे रखी है एच एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी वाई प्लस एट, ठीक है? अब आपने एट पे मुझे डाटा दे रखा है, यानी y की जगह एट रखूंगा तो डाटा दे रखा है 17, ठीक है? अच्छा आप चाहते हो कि मुझे एच ऑफ जीरो चाहिए, एच ऑफ जीरो कब आएगा? भाई y की वैल्यू एट पे मुझे डाटा पता है तो मुझे एच ऑफ जीरो चाहिए, तो एच ऑफ जीरो के लिए मुझे x कितना रखना पड़ेगा? माइनस एट रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं x की जगह माइनस एट रखूंगा भाई y की जगह तो मैं एट ही रखूंगा, क्योंकि मुझे एट पर ही वैल्यू पता है, यहाँ तो मैं 8 रखूंगा और यहाँ पर क्या रखूंगा? माइनस 8, तब जाके मेरे पास 0 पर वैल्यू आएगी। तो x की जगह माइनस 8 और y की जगह 8 पुट कर दो, आप कर दोगे? तो x की जगह माइनस 8 और y की जगह 0 पुट कर देंगे तो h ऑफ 0 कितना आएगा? f ऑफ माइनस 8 कितना आएगा? माइनस 8, f ऑफ माइनस 8 माइनस 8 आएगा, g ऑफ 8 कितना आएगा? 17 आएगा, प्लस 8 आएगा, कितना आंसर आएगा? 17। खत्म, एक लाइन में आंसर आ गया, बस आपको सोचना था, खत्म, आंसर आ गया। हम चलते हैं सेकंड वाले पार्ट पर, है ना? अच्छा सेकंड पार्ट पे अगर हम जाते हैं, सेकंड पार्ट पे अगर हम जाते हैं, देखिए आपने मुझे ये चीज फाइव दे रखी है, आपने मुझे ये चीज फाइव दे रखी है, तो मुझे यही चीज क्रिएट करनी है, ठीक है? तो हमने क्या करा, इसको लिखा 27 को लिखा 3 अपॉन वाई का क्यूब प्लस 1, ऐसे लिख लिया। अच्छा ये लिखने के बाद मैंने क्या करा, ये चीज रूट 27 अपॉन वाई है, मुझे चाहिए रूट एक्स, यानी 1 प्लस एक्स क्यू वाली फॉर्म आ रही है। मतलब आप इसको ऐसे देखो, ये चीज ऐसे लिखी हुई है बेटा, लिखी हुई ना, तो f 1 प्लस एक्स क्यू वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है? अब रूट एक्स, रूट एक्स तो यहाँ पर लिखूंगा मैं रूट 3 बाय वाई लिख दूंगा। अच्छा अब आप सोचो, ये रूट 3 बाय वाई लिख दिया,
अच्छा ये 27 था, 27 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर इनटू 3, तो बाहर कितना बच जाएगा बेटा, 3 बच जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा यही चीज आ जाएगी, ध्यान रखना वापस यही चीज आ जाएगी, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप गौर से देखो, क्या मेरा एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में है? f1 + x³ की पावर अंडर x, 1 + x³ की पावर अंडर x, इसी फॉर्म में है कि नहीं है? 100% इसी फॉर्म में। तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 5। कितनी आएगी? 5। आंसर आएगा 5 का क्यूब यानी 125, ठीक है। आज वाला क्वेश्चन था आपका वो ये था कि fx + ay और x - ay बराबर axy है, आपको बताना था x, y क्या होगा, यही था। अब आप सोचो आप स्टार्ट कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका बहुत आसान है। देखो हमें चाहिए क्या, हमें x चाहिए, कॉमा y चाहिए, x और y अलग अलग चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, x और y अलग अलग चाहिए, तो उस पूरे एक्सप्रेशन को तो मैंने u बोल दिया और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने v बोल दिया, क्योंकि मुझे अलग अलग चाहिए दोनों, u अलग चाहिए, v अलग चाहिए, यानी दोनों को अलग अलग चाहिए। तो इसको u बोला, इसको v बोला, दोनों ऐड करेंगे तो x कितना आएगा, u + v / 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y कितना आएगा, u - v / 2 आएगा, तो ऐड करेंगे तो x आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y आएगा, उठा के रख दीजिए। f u / v बराबर k, x की जगह क्या रखेंगे, u + v / 2, यहां क्या रखेंगे, u - v / 2, क्लियर। तो ये आएगा u / v बराबर u स्क्वायर - v स्क्वायर / 4, समझ आ गया। क्वेश्चन की थीम समझो, थीम क्या है, मुझे यहाँ इसकी जगह मुझे x सिंगल x चाहिए और यहाँ पर सिंगल y चाहिए, तो एक को u मान लिया, एक को v मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, v आ जाएगा, आ गया। तो f u / v अगर आ गया, x / y आ ही जाएगा, कितना आ गया x / y, x स्क्वायर - y स्क्वायर / 4, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मेरी तरफ से चैप्टर ऑफिशियली खत्म होता है, भाई क्रैश कोर्स था, 3 लेक्चर मिले थे, मैंने बहुत कोशिश की कंटेंट ऑलमोस्ट में सारा कवर करूँ, तो मैंने काफी हद तक कंटेंट कवर करने की कोशिश की है और मैक्सिमम कंटेंट हमने कवर भी किया है, राइट। और होपफुली आप एंजॉय करेंगे, मेरे को ऐसा लगता है आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो मैक्सिमम चीजें, हम क्रैश कोर्स के हिसाब से सोचें तो क्रैश कोर्स के हिसाब से हमने मैक्सिमम चीजें ढंग से कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1821-21-799 या आप बोल सकते हैं 1800-21-21-799, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।